अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सुबह नौ और मैं हूँ मावर सैयद। आज एक नया दिन, कल हमने स्मॉग के बारे में बात की थी, तो कल के बाद मुझे ना एहसास हुआ, मैंने ज़्यादा आसमान को नोटिस किया। मैंने कहा कि जो आसमान मुझे लगता था कि कितनी धुंध छाई हुई है, इतना क्या कहते हैं, बड़ा ऑरेंज ऑरेंज स्काई हो रहा, पता चल ज़्यादा एहसास हो रहा था कि तो सारा स्मॉग है। हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से या हम अपनी जो है हमें अवेयरनेस नहीं होती, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को बड़े मज़े में झेल रहे हैं और फिर हमें लगता है पता नहीं क्यों मैं तबीयत ख़राब रहने लगी है, पता नहीं मुझे क्यों दमा हो गया, पता नहीं मेरे जॉइंट्स में पेन क्यों रहने लगा है। सत्यानाश, हमने अपना खुद ही मारा हुआ होता है। अच्छा, मैं अक्सर माइंडसेट की जब ट्रेनिंग्स करवाती हूँ या लीडरशिप सिखा रही होती हूँ, तो मैं एक बात कर रही होती हूँ कि भाई अपने नेगेटिव माइंडसेट को आप रीवायर कीजिए और पॉजिटिव हो जाएं। तो लोग मुझसे एक सवाल बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं, वो ये कि जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव कर कैसे सकते हैं। अच्छा, अगर उनसे ज़रा ज़्यादा पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्या मसाइल हैं, तो उनके पास मसाइल एक नहीं, करोड़ों मसाइल का अंबार होता है। लेकिन आपको अगर मैं कहूँ, बल्कि मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक इमेजिनेशन के लिए कोई पीस दे रही हूँ। मैं इवन अपनी ट्रेनिंग्स में मैं एक अक्सर करवाती हूँ, मैं लोगों से कहती हूँ कि इमेजिन करें कि आप जो हैं वो एक जंगी कैदी हैं। अगर आपको याद हो, ये इराक की जंग हुई, अफगानिस्तान वॉर हुई, तो उसमें गुआंतानामो बे एक जेल है, वहाँ पर बंद कर दिया जाता था लोगों को और उन पर बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो आप ये इमेजिन करें कि खुदा नखास्ता कि आप काम पर जा रहे थे और अचानक एक गाड़ी आती है, आपको रोकते हैं और आपको गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं और आपके फेस को कवर कर देते हैं ब्लैक कलर के हुड से, उसको मतलब आपके फेस पर भी उन्होंने बांध दिया है, अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, हाथ आपके पीछे बांध दिया, अब आपको लेके गए एक प्लेन में डाल दिया, वहाँ आपके साथ बहुत सारे कैदी हैं, अब आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, आप ज़मीन पर पड़े हुए हैं, आपको बूटों से जो है वो लाते भी मारी जा रही हैं, कुत्ते हैं भौंक रहे हैं आपके इर्द गिर्द, आपको गालियाँ दी जा रही हैं, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा होगा? उस वक्त आपके जहन में चल रहा होगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे कि मार देंगे, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खौफ, अनसर्टेंटी, फिर ये ख्याल कि मेरे बच्चे घर में हैं, मेरी बीवी घर में, उनको तो पता भी नहीं कि मैं घर से निकला था, मुझे कहाँ लेके चले गए, कभी ज़िंदगी की पुरानी चीज़ें अपने आँखों के सामने आ रही होंगी, आगे डर लग रहा होगा, अपने अंजाम का खौफ होगा, अपने बच्चों की याद आ रही होगी। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर अचानक से आपको एहसास हो कि मैं पलक नहीं झपक पा रहा हूँ, मेरी आंखें खुली थी खुली रह गई या बंद थी बंद रह गई, या मुझे सांस नहीं आ रहा, या जो थूक है वो मैं निगल नहीं सक रहा हूँ, मेरा गला बंद हो गया, तो आप यकीन करें मौत का खौफ, गैर यकीनी, फैमिली की याद सब ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला मैं किसी तरह पलक झपक लूँ या मैं किसी तरह सांस ले पाऊँ या किसी तरह मैं थूक निगल लूँ। उस वक्त आपको एहसास होगा कि ये जो थूक निकलने की सलाहियत है वो कितनी ज़रूरी है मेरी लाइफ में, इसके बगैर तो मैं और कुछ नहीं सोच सक रहा, या मैं सांस अगर नहीं ले सक रहा हूँ या और मैं ज़िंदा हूँ, यानी कि सांस नहीं आ रही हो, मेरा इंतकाल हो गया, तब आपको एहसास होना शुरू होगा कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है और मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में कोई बड़े दो चार मसाइल हैं, वो कितनी ज़रूरी, कितनी अहम है वो चीज़ें। जब हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें हमेशा अपनी रहमत में समेटा हुआ होता है, तो हमें फिर कोई बड़े से बड़ा मसला ही नहीं लगता। अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि मैं बड़ा डिप्रेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मुझसे नाराज़ है, या मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या मैं कुछ भी करता हूँ कुछ भी अच्छा मेरी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। दरअसल अच्छा सुबह शाम हो रहा है, अच्छा हर घड़ी हो रहा है, आप उस अच्छे को देखने वाली आपकी वो नज़र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बिजली का बिल आ गया है, अब आपको ये परेशानी है कि मैं कहाँ से दूंगा, या आपको अपनी बेगम पसंद नहीं है, या आपके अपनी बाइक आपको लगता है बार बार ख़राब होती है, या आपको लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने बेटा नहीं दिया, आपको बेटा चाहिए था और चार बेटियों की लाइन लग गई है। हमें क्या है, हमने अपने छोटे छोटे मसलों को बहुत बड़ा बना के देखना शुरू कर दिया और इस वक्त इसी वजह से हमें हर वक्त अल्लाह की रहमत से मायूस रहते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की ना सिर्फ अल्लाह ताला की कोई अरबों रहमतें जो हमारे ऊपर हैं, बल्कि जो दुनिया इतनी खूबसूरत सजाई गई, आसमान पे तारे हैं, सुबह मशरक से सूरज तुलू होता है, परिंदे चहचहा रहे हैं, ये पूरा स्टेज मेरे और आपके लिए सेट किया गया है ताकि हम इसको इन्जॉय कर सकें। पूरी दुनिया वजह कायनात ही एक इंसान है, तो पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल आपके हाल पे छोड़ा हुआ है, उसने आपको हर वक्त अपनी रहमतों के साए में रखा हुआ है। दूसरी बात ये कि जो आपको बहुत बड़े बड़े मसले लग रहे हैं, ज़रा उनको थोड़ा सा सुकून से बैठ के साइड में रखिएगा, फिर आपको एहसास होगा कि ये जो मसला है तो जस्ट फाइनेंशियल इशू है या कोई जिस्मानी मसला है, कोई बीमारी है। तो भाई दुनिया तो थी इम्तहान के लिए ना, आप इस इम्तहान में कामयाब होंगे तो उस जन्नत में जाएंगे जो कि आप जिसको आप सोच रहे हैं कि मुझे ज़रूर मिलेगी। आखिरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज हम दिन उसी पर बेस करके शुरू करेंगे, कहते हैं कि जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है वो बहुत बड़ी नज़र आती है, तो आज से
अपना फोकस सारी गलत चीज़ों से हटाइए और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस रखिए, तो कि शाम तक आपका मूड भी अच्छा होगा, आपको एहसास होगा कि आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको उस नेमत से नवाजा जिसके हम हकदार ही नहीं थे, जो कि हम डिज़र्व भी नहीं करते। अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करें, दूसरों की ज़िंदगी में रखने ना डालें, और इस अज़म के साथ आज इस दिन को शुरू करते हैं कि आज जो भी हम उल्टा पुल्टा सोचते हैं, गलत सलत सोचते हैं, आज से हम नहीं सोचेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्जॉय करेंगे इस खूबसूरत से दिन को। और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत अशरफुल मखलूकात बना के हमें इस दुनिया में भेजा, ना चूटी बनाया, ना हाथी बनाया, ना हाउस फ्लाई बनाया, तो इन्जॉय करें उस टाइटल को कि हम सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएचर हैं। इसी थाट पर मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अपने आपसे मेरी मुलाकात होगी शेफ साहिबा के किचन में, और जानेंगे उनसे कि आज क्या बन रहा है। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जो है मौजूद हैं शेफ साइमा के किचन में, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग इनके पास इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगी कि आज एक तो बन क्या रहा है, दूसरा साइमा से मेरे पास आज एक सवाल है करने के लिए। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अस्सलाम अविश, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, दाल ऑलरेडी पका कर लाई हैं? मैविश, ये कुछ चीज़ें जो हम ऑन एयर बताएंगे अभी आपसे मैं बिल्कुल नहीं शेयर कर सकती, अभी आप भी सीखिए। नहीं, ये कहती कि मेरे पास कुछ सवाल है इंग्रेडिएंट्स को देख के, मैं आज तो खाना बनाकर आ गई तो साइमा गप्पे लगाएंगे। मैविश, ये मैं थोड़ी सी बॉईल कर लाई हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं फिर एक्सप्लेन कर। सही, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अभी मैंने जो सुबह में एक थोड़ा सा प्रीएम्बल बनाया शो का, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान करी और जिसकी वजह से आपका सर में हर वक्त दर्द रहता है, या कंधों में या गर्दन में? आविश, कंधों में तो मेरे बहुत दर्द रहता है, मैं यहाँ पर अपने ये दुखड़े नहीं लूंगी, सारे लोग टीवी बंद कर लेंगे। बंद नहीं करेंगे क्योंकि हाय बेचारी इस कदर मुश्किल से उठ के आ रही है, शो खड़ी है। तो ये अच्छी बात है ना कि अपनी सारी हिम्मत जमा करके आप रोज एक नए अज़म के साथ बाहर निकलते हैं, ये भी तो अच्छी बात है कि अपनी सारी तकालीफ को पीछे छोड़ कर आना, उसको लेके बैठ नहीं जाना, वरना तो फिर आप बैठ ही जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा ना तकालीफ को लेके आना, 90% मसाइल आपके दिमाग में होते हैं। वो क्या होता है कि आपने किसी का आपने मूड देखा जो कि ऑफ है, अब आप ही कह रहे हैं पता नहीं क्या सोच रहा है, हर वक्त दिमाग खराब रहता है, पता नहीं अब क्या बात है। अब आप पहले से इतनी कहानी बुन चुके हैं, सर में भी दर्द शुरू हो गया, पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई, कंधे भी बैठ रहे हैं, बाद में चलता है होता कुछ नहीं है, वो इंसान कुछ और सोच रहा है, आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था। अच्छा, बाज़ दफ़ा मविश होता ये, जैसे आज आपने अभी बात की बहुत प्यारी, जिसका एंड ये था कि भाई हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल है हम सबको रोज़ एक सुबह उठ के ना ऐसे रिमाइंडर की ज़रूरत है, शुक्राने के रिमाइंडर की ज़रूरत है, और जब आप वाकई में बैठ के इस चीज़ पे गौर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा कि इतनी मेरे पास नेमतें हैं फिर भी मैं इतनी अनग्रेटफुल हूँ। और मिनट मिनट में हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। हमारा एक्ट करने का तरीका, बात करने का तरीका इतनी अनग्रेटफुलनेस है, हर चीज़ से झलक रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अनग्रेटफुल हो या आप ग्रेटफुल हो, कोई भी चीज़ अगर आपकी आदत बनती है फिर ख़तरनाक हो जाती है। जैसे अगर आपकी आदत है हर वक्त रोने धोने की, तो अब क्या होगा कि आप कहेंगे, आपको कोई ना कोई रीज़न मिल जाएगा। वो जो मक्खी की मिसाल होती है कि वो ढूंढ के गंदगी पे या खुले जख्म पे बैठती है, तो आप भी बिल्कुल उस मक्खी की तरह हो जाते हैं कि आप ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स निकालते हैं, और यू लाइक टू एड्रेस या ऑलवेज टॉक अबाउट दोस प्रॉब्लम्स। मैं एक बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और मैं ज़रूर रिमाइंडर अपने आप को भी देती हूँ और दूसरों को भी समझाती हूँ कि जिस भी चीज़ पे आपका फोकस होता है वो चीज़ बहुत बड़ी नज़र आने लगती है। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो अगर आपका खुशियों पे नेमतों पे फोकस होगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी तो गुलजार है, और हकीकत है कि बहुत अल्लाह ने खूबसूरत ज़िंदगी दी। चलिए, हमारे लेक्चर यहीं तक का था, हम कुकिंग के सेगमेंट को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तो क्या बन रहा है मैविश? आज जो है वो हम खट्टी दाल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हैदराबाद दक्कन, जो हिंदुस्तान का एक शहर है, उसकी रेसिपी है। हैदराबाद सिंध की रेसिपी नहीं है ये, और उसके बारे में सारी चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम डिस्कस भी करेंगे और नाजरीन को सिखाएंगे कि इसको किस स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे
लेके चलना है। इस दाल है तो दाल बहुत कम अज्जा से भी बन जाएगी, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बट कुछ चीज़ें अगर आप उसका ख्याल करेंगे तो ये आपको और उसमें लुत्फ आ जाएगा। चलें ज़बरदस्त। इसमें ना मुझे एक छोटी सी बात याद आई, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे यहाँ को मेहमान आया करते थे तो कुछ अर्से बाद उन साहब की उनकी शादी नहीं हुई हुई थी, तो हमारे यहाँ मतलब मेरे हस्बैंड के साथ लंच पे तकरीबन रोज ही हमारे घर आते थे। जब शादी हुई तो बेगम से बड़े खुशी से बताने लगे कि भाभी के हाथ की खट्टी दाल इतनी पसंद है, तो बेगम कह लगी मुझे वो खट्टी हो जाती थी जब आप यहाँ पुरानी पुरानी दालें निकाल के देती थी, खुश होकर खट्टी दाल। चलिए ये भी बड़ी जबरदस्त टिप दे दी, पुरानी दाल निकाले थोड़ा सा इमली का पानी डाले और आगे वाले बोले क्या भाभी के हाथ की खट्टी दाल। ये भी बड़ा ये एक वो है ना, क्या कहना चाहिए, गुण गुनी हो गया ना कि पुरानी चीजों को पुरानी चीजों का कैसे रिफ्रेश कर लें। घर में भी हम लोग इस तरीके से कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ताकि वो, या आप रखी हुई दाल को दोबारा बघार लगा दें तो फ्रेश चीज हुई भी दाल को आप निकाल के, मैं यूजली करती हूँ कि अगर मैं ज्यादा दाल बनाती हूँ बनाई तो वो उस वक्त फ्रेश है, अब मैंने थोड़ी सी फ्रीज कर दी है तो जब मैं निकालूंगी मैं बघार के बगैर फ्रीज करती हूँ, ठीक है, निकाल के मैं उसको फ्रेश बघार लगाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, उसमें कोई ना खराबी है ना कुछ, और आपका टाइम भी सेव है कि आपने एक वक्त में ज्यादा जो वर्किंग मदर्स हैं वो एक साथ बना के बॉक्सेस में रख दें अलग अलग। तो माविश हम लोग जरा इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा माविश देखें, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो खट्टी दाल है ये मसूर की दाल से बनाई जाती है, पिंक दाल जिसे हम कहते हैं, फॉर बिगनर्स अगर उनको पता हो और कैमरा अगर दिखा रहा हो तो ये पिंक दाल को हम मसूर की दाल कहते हैं और ये सबसे जल्दी गलने वाली दालों में से है, यानी इसकी खसूसियत ये है कि ये 7 से 8 मिनट में गल जाती है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि अगर आप इसको थोड़ी देर भिगो दें, 5 to 10 minutes आप भी आप भिगो देंगे, नहीं भी भिगोएंगे तो भी डायरेक्ट भी गल जाएगी, वेरी अनलाइक चने की दाल या साबुत मसूर की दाल। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, ये आज हम बनाने जा रहे हैं और इसके जो अज्जा हैं जो दाल में पड़ेंगे वो है लाल मिर्च का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, मैं अभी सबकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। अच्छा पहले हम दाल ही के बारे में मैं बता देती हूँ। दाल कितनी ली आपने इधर? जी मैंने यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम दाल ली थी। अच्छा। और माविश उसको मैंने ना पहले उबाल लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के उबालने के बाद ये फॉर्म में आ गई थी, ठीक है, यहाँ कैमरा दिखाएंगे अगर कि ये बहुत इस तरीके के फॉर्म में आ गई है। उसके बाद मैंने उसको पानी डाल के थोड़ा सा अपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया तो ये टेक्स्चर आ गया दाल का। तो मैंने आपको 3 steps दाल के दिखाए हैं, ये दाल हमने सादी बिल्कुल बॉयल की है। दालों के लिए नंबर 1 टिप ये है कि जब आप दाल धोएं तो उसको नीम गर्म पानी से धोएं, आपकी दाल बहुत जल्दी गल जाती है जी, और दाल उबालते वक्त आप फौरन शुरू में नमक ना डालें। उसका वो इसलिए है क्योंकि अगर आप शुरू में नमक डाल देंगे तो दालें पकाने का प्रोसेस लंबा हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है, तो या तो आप बाद में डालें थोड़ी दाल पक जाए, या आप अलग से मसाला रेडी करें तो उसमें तो आप नमक डाल ही देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ बिल्कुल सादी दाल बॉयल कर ली थी, इस शक्ल में आ गई दाल, बॉईल करने के बाद मैंने उसको मैंने हैंड ब्लेंडर से या घर में ब्लेंडर से पीस ली। मैं इसके मसाले बता देती हूँ, ये तकरीबन 200 ग्राम दाल थी बगैर भीगी हुई सादी दाल, ठीक है, फिर इसमें मैं तकरीबन 1 tablespoon के बराबर लाल मिर्च शामिल करूँगी कुकिंग के दौरान, 1 teaspoon के बराबर मैं हल्दी शामिल करूँगी, हमारा पिंक सॉल्ट जाएगा इसमें जब हम उबाल तो हम चुके हैं जब ये कुक हो रही होगी, ठीक है, फिर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 cup इमली का पानी साथ ही, ठीक है, इमली का पानी डालकर हम इस दाल को पकाएंगे। हमने गाढ़ा रखा है? जी मैंने गाढ़ा रखा है क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा पतला करेंगे ना माविश तो फिर ये सब चीजें एक रेशो में आ जाएंगी, और अगर पतला भी है तो थोड़ा ज्यादा पका लें। हाँ वो आपकी उस पे, असल में ये दाल खाई जाती है चावलों के साथ, हम आज जीरा राइस बनाएंगे, आप सादे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, ये रोटी के साथ नहीं खाई जाती, लेकिन अगर कोई खाना चाह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पतली दाल होती है, सूप की तरह दाल होती है, बहुत सारे लोग इसको पीते भी हैं। तो अब यहाँ पे दाल आ गई। अच्छा अब हमारे 3 main ingredients हैं, एक हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें जाएगा, लाल मिर्च हल्दी नमक चला गया और हमारी इमली का पेस्ट, हम इसको शामिल करके इस दाल को कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा इमली का पेस्ट जब आप शामिल कर दें और दाल को एक ज़रा सा उबाला आ जाए
तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा इमली का पेस्ट भी पक गया है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा कच्चे पर होगा। तो आप उसके लिए हम यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें तोड़ के डाल देंगे, और जब ये हल्की सी क्या कहना चाहिए, नरम सी हो जाए, तो आपको अंदाज़ पता चल जाएगा कि आपकी दाल भी कुक हो गई और इमली का पेस्ट भी पक चुका है। उसके बाद मैं इसके बघार की तरफ आऊँगी, और बघार हम देंगे या घी से या ऑयल से। बेटर है कि आप घी इस्तेमाल करें, क्योंकि घी दालों को की जो लुत्फ़ को और भी बढ़ा देता है। अच्छे क्वालिटी का आप लोग घी ले लें, चाहे तो आप लोग देसी घी है तो उसका इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने अभी फ़िलहाल 1/2 कप ऑयल लिया है, क्योंकि दाल के किसी भी प्रोसीजर में हमने ऑयल यूज़ नहीं किया है, हम सारा बघार में ही ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल लिया है, और मुझे लहसुन पसंद है, मैं लहसुन इसमें शामिल करूँगी बघार में। आप लोगों को नहीं पसंद आप लोग स्किप कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी बघार के लिए। साबुत लाल मिर्चें तोड़ के डालनी है, और उस वक्त तक साबुत लाल मिर्च को फ्राई करना है जब तक ये सयाह ना हो जाए। अच्छा, सयाह हो जाएगी तो उससे इसका स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा पूरे ऑयल के बघार में जो आपने वो दिया। ठीक है, तो हमेशा बघार इस खट्टी दाल के लिए हम लाल मिर्चों को सयाह करते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम नॉर्मल दालों में ज़रा खिला खिला सा उतार लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको बघार में डार्क कर दीजिए, ज़ीरा शामिल करें, और लहसुन भी थोड़ा फ्राई करें, लहसुन ब्राउन होने तक जैसे फ्राई हो जाए कड़ी पत्ते शामिल कर दें, और दाल पर हम बघार लगा दें। इस तरीके से हमारी खट्टी दाल तैयार हो जाएगी। फिर हम ज़ीरे राइस की तरफ आएंगे, उसका भी मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है। ज़ीरे राइस के लिए जो है वो आपने करना ये है कि तकरीबन अपने हिसाब से आप लोग चावल ले लीजिए, जैसे पुलाव के लिए राइस लेते हैं, और थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 से 3 टेबल स्पून 1 कप अगर आपने चावल भिगोए हुए हैं, मेरे पास यहाँ इस वक्त भीगे हुए हैं पीछे 1 कप चावल, और उसी के हिसाब से मैं आपको रेसिपी जो है वो गाइड कर देती हूँ। उसमें 1 टीस्पून आपने, जैसे ही ऑयल गरम हो जाए 1 टीस्पून के बराबर आपने ज़ीरा डालना है। जैसे ज़ीरा क्रैकल होने लग जाए तो थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 काली मिर्च, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 ही आपने बादियान का फूल, स्टार एनीस इसको कहते हैं इंग्लिश में, 1 बादियान का फूल और 1 बेलीफ तेज़पत्ता, वो आपने डाल देना है। ये ज़रा से सारे मसालों की खुशबू सी ऑयल में जब आ जाए तो आपने चावल डालने हैं, और चावल शामिल करके इसमें आपने अपना 1 चम्मच के बराबर नमक ऐड कर देना है। नमक जब शामिल कर लें तो पानी आपने उतना रखना है अपनी, जैसे हम पुलाव के लिए रखते हैं, मैं एक अंदाज़ा लगाती हूँ अपनी उंगली के इस पोर्शन तक कि मुझे इस हद तक पानी रखना है। पानी रख के आपने सेम प्रोसीजर, जैसे सब लोग जानते होंगे पुलाव बनाने का, वो हमने फॉलो करना है। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद जब पानी एब्जॉर्ब कर लें चावल, तो हमने उसको दम पे रख देना है चावलों को। तो इस तरीके से हमारे ज़ीरा राइस तैयार हो जाएंगे। सही। तो माविश, अब आप बताइए अगर हमारे अगर पास मेरे पास कोई सवाल है या फिर जी पूछ लें। एक तो ये कि आप कह रही हैं जैसे गोल मिर्च को सिया तोड़ के डालेंगे हम, तोड़ के डालेंगे। अच्छा, तो स्टूडियो में करेंगे तो सब खांसने लग जाएंगे? अब ये उसी वक्त पता चलेगा कि सब खांस, तो फिर तो बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में हमारे सामने कीजिएगा ताकि हम खांस रहे होंगे तो हम शो खत्म कर देंगे। चलें, सही है, ठीक है। अच्छा, सब खांस रहे, कोई अभी से तो नहीं खांसना शुरू कर दिया, ये भी पता नहीं। अभी तो हमारे गेस्ट बैठे हैं, अभी काफी सारा काम है, तो अभी मत डालिएगा, अभी मत कीजिएगा। अच्छा, नहीं मेरा ये बात सवाल था कि ये आपने कहा कि इसको ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन अगर आप हल्की आंच पे बहुत देर तक छोड़ देती हैं और अगर लकड़ी के चमचे से मैश करती हैं तो भी हो जाता ना? हाँ, हो जाता, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये तो कोई प्रोसीजर है जो मैंने एक्सप्लेन, मैंने कहा बहुत सारे लोगों के घर में या लाइट नहीं होती या ब्लेंडर नहीं है तो वो आपने वो घोट लेना, डोई है ना हमारी, हां डोई से, डोई से कर ले। लेकिन मैं भी, इसका ना एक खास टेक्सचर है, आप देखें जी जी स्टिकी सा, तो मुझे नहीं पता वो घोटने से भी शायद आ ही जाएगा। अच्छा, इसमें हम डाल कर, हां हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं टाइम देख लूं कि 2 मिनट, हाँ 1-2 मिनट में ब्रेक लेते हैं। माविश, इसको आप वहाँ रख लें, तो आप ये शुरू हमारे सामने कर दें, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ठीक है, मैं अब अपनी दाल डालने जा रही हूँ। अच्छा, और माविश आप ये देखें कि ये दाल जो है मसूर की जो दाल है, ये मेरा ख्याल है सबसे दालों में सबसे ज़्यादा टेस्टी दाल, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरा एक्सपीरियंस ये। अच्छा, अब मैं दाल डाल रही हूँ उसमें,
दाल शामिल करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। मैं दूं आपको पानी बढ़ा दीजिए प्लीज। अच्छा ये दाल थैंक यू जितना कम पानी में जल्दी गलती है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं दालों में फिर पानी बहुत सारा डाल के और सब चीजें डाल के देर तक छोड़ देते हैं, हालांकि जितना कम पानी डालते हैं उतना जल्दी गल जाता है। इसमें तकरीबन मैंने एक कप के बराबर अभी पानी डाल दिया है क्योंकि हम इमली का पेस्ट भी शामिल करेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ी सी पतले होने की जानब रहेगी। आप मुझे ये मेरी डोई पकड़ा दें, थैंक यू सो मच। मैं इसको मिक्स करती हूँ अभी और मिक्स करके मैं सारे मसाले इसमें इस वक्त शामिल कर देती हूँ। ठीक है माविश मुझे एक चम्मच भी चाहिए होगा, टीस्पून बढ़ा दीजिए प्लीज़। अच्छा बहुत सारे लोग इस दाल में माविश उबालते वक्त टमाटर भी डालते हैं, वो तरीका भी सही है। आप अगर 200 ग्राम ले रहे हैं दाल तो आप दो टमाटर डाल सकते हैं, टमाटर डालकर उबाल लीजिए वो भी बिल्कुल तरीका सही है। खट्टा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हो जाएगा वो? मैं बगैर कोशिश करती हूँ कि टमाटरों के बगैर करूँ, कभी मैं डाल भी देती हूँ फिर मैं अपना इमली का पेस्ट कम डालती हूँ। फिर आपने क्वांटिटी कम करनी है ना, हर चीज़ को बैलेंस रख के चलना है। अगर कोई एक चीज़ आपने बहुत खट्टी डाल दी है तो फिर दूसरी चीज़ को आपकी मकदार को आपने कम कर देना है। जिस तरह कल मंचूरियन बन रहा था तो कई लोग होते हैं इनको टमेटो पेस्ट का मज़ा इतना पसंद नहीं होता, तो आप वो कम कर लें, आप जो है वो ज्यादा कर लें स्टॉक या कोई स्टॉक ज्यादा कर लें, बिल्कुल खटास का चाहिए होती है, पसंद नहीं होता। अच्छा माविश इसमें मैंने अपनी वो वाली दाल भी वो कर मिला दी है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने जा रही हूँ। ठीक है याद रखिएगा दाल में हमने कुछ नहीं मिलाया था उबालते वक्त, दाल बिल्कुल सादी उबाली थी मैंने। ठीक है अब मैं साथ साथ इसको चलाती रहूँगी ताकि सारे अज्जा इसमें हल हो जाए मुकम्मल तौर पर। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अपना लाल मिर्च का पेस्ट और ये पेस्ट पाउडर। अच्छा ये भी मैं एक टेक्निक यहाँ पर बता ही देती हूँ हमारे पास अगर टाइम है तो। माविश मुझे आप ये एक बोल दे दीजिए प्लीज़ बोल। हाँ और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें जैसे दो चम्मच के बराबर, तो एक अच्छी सी टेक्निक मैं बता देती हूँ अभी, थोड़ा सा ही कर दें कि हमने एक पेस्ट सा बनाना है। अच्छा जनाब यहाँ पर हम करेंगे ये कि आप लोग ने यूजली देखा होगा कि जब हम सारे मसाले साथ ऊपर हाँ, डालते तो वो लम्स बन जाते हैं। हाँ। तो आप पानी में थोड़ा सा घोल लें मसालों को अपने। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के बराबर हल्दी ले ली है, ठीक है, और नमक भी मैं इसमें ले लूँगी और इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा पानी और दे देती हूँ। दीजिए मुझे, मैं इसमें डाल के दे दूँ। इसमें भी थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है, आप ऐड कर दीजिए हाफ कप के बराबर। थैंक यू। अच्छा अगर हम दिखा सकते हो तो प्लीज़ दिखाएं कि इसको हमने ऐसे पेस्ट फॉर्म में बना दिया है। ठीक है ठीक है। और नमक मैं अपना यहाँ पिंक सॉल्ट शामिल करूँगी इसमें। अब हमने इसको इसमें ऐसे करके डाल देना है ताकि हमारे लम्स जो हैं वो ना बने। सही रख दीजिए। जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हुए उसको मिल्क में घोल के लेते हैं, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं और अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ, अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। इसमें मैं अब इमली का पल्प भी डाल दे रही हूँ, इमली का गूदा चला गया है तकरीबन एक कप के बराबर। आंच पे छोड़ देंगे आप? जी अभी पहले उबाल आएगा माविश और उबाल आने के बाद हम करेंगे ये कि मैंने आपको बताया था कि कैसे पकने का आपको अंदाज़ा हो कि आपकी दाल पक गई है, तो अब हम इसको दो टुकड़ों में करके हमने ऐड कर देना है। ठीक है और मिर्च हो जाएगी, इतनी मिर्ची मिर्च हो रही है, कम डाल रही हूँ बस, ये कम दो डाल दिए। चलें खैर ठीक है। अच्छा ये शामिल कर दिए, मैं तो ये भी डालना चाह रही थी लेकिन आज लेकिन आपके लिए दाल बन रही है तो फिर हम कम डालेंगे। नहीं नहीं ऑलरेडी आप लाल मिर्च डाल दी, यही डाल दी। हरी मिर्च का यार बहुत अच्छा फ्लेवर। एब्सोल्युटली मैं हरी मिर्च बहुत पसंद करती हूँ। मैं क्या करती हूँ पहले सारे बीज निकाल के फिर जो हरी मिर्च का बचता है। अच्छा देखिए माविश इसमें इसी वक्त उबाल आना शुरू हो गया है, ठीक है, तो अब जब जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए मैं नमक शामिल करूंगी और थोड़ी हल्की आंच पे तकरीबन जब तक कि हमारी जी हरी मिर्च जरा सी गल नहीं जाती है मैं पकाऊंगी। मुरझा नहीं जाएगी? जी मुरझा ना जाए बिल्कुल। मेरे हाथ इस वक्त जरा मिर्ची वाले हैं, चम्मच आपको चलाना होगा। चला लेती हूँ और
बस फिर इसमें नमक डाल के हम ढक के पकाएंगे। ढक बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है मैं शायद ना ढकूँ इसको, क्योंकि वो एकदम से अगर वो फिर भी उबाल आ जाए तो फिर गिरेगा। तो ढके हाँ। ना आप इसको खुला ही पकाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। जी तो हम ब्रेक ले लें। बिल्कुल आप ब्रेक ले लीजिए। चलें ठीक है। तो जनाबे आली जब तक ये दाल, अच्छा इन्होंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया, अभी थोड़ा सा मैंने अभी ऐड कर दिया, बाकी हम जो है अगार में ऐड करेंगे। अच्छा भाई जब तक दाल बन रही है, मेरे पास मेहमान आ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगु है। हम जैसे अक्सर बच्चों से कहते हैं ना, सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो मुझे ये पता चला कि खेल खेल में इलाज भी होता है और खेल खेल से इंसान के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई ज़हनी मसाइल हैं, इमोशनल मसाइल हैं, वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, क्या कौन सा तरीका है कि आप खेल खेल से इलाज कर लें, उसके लिए हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को मधु किया है, जिनसे आपको मैं मिलवाऊँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैंने एक बात कही थी कि हम आमतौर पर जो है ना खेल कूद को समझते हैं बिल्कुल ही फारिग किस्म का काम है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि बच्चे अगर ज़्यादा खेलते हैं तो हम कहते हैं बहुत खेलता है ये, हर वक्त इसका दिमाग खेल में रहता है। हकीकत यह है कि एक तो हम बच्चों को भी खेल खेल से जो मना करते हैं तो हम उन्हें वक्त से पहले या तो बहुत बोरिंग बना रहे होते हैं या उनका एक्सप्रेशन को हम दबा रहे होते हैं, बल्कि हमने भी जो अपने खेलने में पाबंदी लगा दी है ना कि मैं तो जी फालतू गेम्स नहीं खेलता। पहले के ज़माने में अगर आपको याद हो तो लोग कैरम बोर्ड खेला करते थे। इवन मुझे याद है व्हेन वी वर यंगर तो हमारी खालाएँ हमारे साथ खो खो खेलती थी, छुपन छुपाई खेलती थी। अब तो हम खेलना क्या, हम तो अपने बिस्तर से उतरना नहीं चाहते, हम ज़्यादा हिलना जुलना पसंद नहीं करते, और उसके बाद बहुत जल्दी ना सिर्फ हमारी हड्डियाँ जवाब दे देती हैं बल्कि हमारा मूड भी थोड़ा बुझा बुझा और हम अंदर से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में और कराची में एक प्ले थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि खेल खेल से इलाज करवाती हैं, तो आई फेल्ट वेरी क्यूरियस एंड आई थॉट कि मैं उनको शो पे इनवाइट करूंगी और उनसे जानूंगी ये प्ले थेरेपी होती क्या है। तो लेट्स वेलकम सना खान। सना खान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सना ये बताइए कि लोग भी पूछते होंगे प्ले थेरेपी होती क्या है, तो मुझे है ना बिल्कुल हमेशा ही होता है कि यू नो व्हाट इज दिस प्ले थेरेपी, सो यू गेट पेड टू प्ले। और बट आई थिंक इट इज़ अ फील्ड जो वाकई एक बहुत रेयर कमोडिटी है हमारे यहाँ पर, बट इट इज़ जस्ट द नीड ऑफ द डे, क्योंकि आई थिंक बिजी डेज में और इतनी बिजी बच्चों की भी और इवन बड़ों की अब रूटीन है, वे यू नो यू हैव बैक टू बैक ट्यूशंस हैं, स्कूल है, एंड देन यू डोंट हैव टाइम फॉर प्ले, एंड प्ले एक ऐसा मीडियम है या प्ले एक ऐसी चीज़ है विच इज़ सो नेचुरल, यू नो बच्चे को कोई बताता नहीं है कि लाइक तुमने बड़ों के खेलें, दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग, यू नो जितने जैसे उनके हाथ की मूवमेंट्स शुरू होती हैं वो अपनी रैटल से अपने टॉय से खेलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज प्ले इज़ द की टू योर लिविंग बेसिकली। आपको यू नो आपकी इंटेलिजेंस, आप इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं थ्रू प्ले, सो प्ले इज़ जस्ट सच एन इग्नोर थिंग मगर one of the most important things to have. You're so right. बहुत से ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप देखिए कि 40 में स्पोर्ट्समैन और 40 में एक आम आदमी, जमीन आसमान का फर्क होगा उसके पोस्चर में, उसकी एनर्जी लेवल्स में, इवन उसकी अलर्टनेस में। हम जो हैं वो जब खेल कूदते नहीं हैं तो हमारा माइंड भी कहते हैं ना ब्रेन इज लाइक अ मसल, जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना ढीला हो जाएगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। अच्छा ये बताइए कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थेरेप्यूटिक मेथड्स। सो अब थेरेपी इज ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर नाउ एंड पीपल आर लुकिंग इन टू मेंटल हेल्थ, एंड मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम लाइक अ थिंग नाउ, एंड I'm really happy to know कि you know wellness अब जैसे कि इस शो में you know it's not a taboo anymore. It's not. पहले तो लोग बिल्कुल बात भी नहीं करते ऐसा ही है, and you know sometimes you need just safe space to just talk and vent. कभी आपको कोई मशवरे नहीं चाहिए होते हैं या आपको कोई solutions नहीं चाहिए होते हैं, and you just want to be your real self and just vent out whatever you need to. You know adults go into therapy बहुत दफा to talk, and sometimes and it's interesting that play therapy is not just for kids but it also works wonders with adults, kyunki jab aap bahut dafa bahut log hote hain who are introverts they don't like to talk, kuch bacche hote hain jo wo nahi bata pate ki unko bade emotions aa rahe hain, wo kya mehsoos kar rahe hain, either they don't have language for it. So play therapy mein kya hota hai ki toys and everything is designed on purpose, right? हर टॉय हर चीज़ किसी पर्पज से वहाँ रखा होता है। अच्छा और टॉयज़ बिकम द वर्ड्स
and their play becomes the language. Wow. So basically they don't speak and they don't tell you that मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, or I have big emotions, or I'm feeling angry, or I'm feeling sad. And then they learn just through play. We kind of see what's happening in their internal world, and then we give them the tools to cope with these emotions and then name these emotions. क्योंकि आजकल इतनी busy routine है बच्चों की, they don't just be. कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा अकेला सोफे पे बैठा या कुछ भी नहीं कर रहा. And that is when the creativity actually takes birth, when you're just not doing anything and you're bored and you're not doing anything. And that is what the play enables you with. It gives you the tools to cope and to self-heal rather than someone telling, अच्छा तुम्हें ये problem हो या ये कर लो. And it doesn't always work, you know. मैं अपनी internal सोच या imagination या perception से of you, I'm giving you a tool. But that may not be the right fit for you. So play is very self-sufficient. खुद बच्चा टॉय उठाता है, खुद प्ले करता है. Everything is like they do it on their own and we're just there to witness and just facilitate that play. And then the play helps them heal and we give them the tools. And there are some specific games that are designed for play therapy, for anger management, for, you know, for grief. Death हो जाती है किसी की फैमिली में या पेरेंट्स डिवोर्स हो जाती है या कुछ भी ऐसा, एनी बिग थिंग दैट हैपेंस. एंड इमेजिन जब आप बच्चा बचपन से अपने इतना सेल्फ अवेयर होगा, व्हाट एन अमेजिंग इंडिविजुअल विल दे बिकम व्हेन यू नो दे डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क व्हेन दे ग्रो अप. जिस तरह कहते हैं ना कि बहुत दफ़ा जो ब्रोकन एडल्ट्स होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड अनहील्ड ट्रॉमा. और चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा होता है वो बहुत सारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते. आपकी बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हम बहुत दफ़ा कह नहीं पाते चाहे हम थेरेपी में बैठ जाएं. जैसे आई एम अ काउंसलर माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, और उनका जो वॉइड है वो बस वो ये कह रहे होते हैं कि आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग. तो मैं कहती हूँ यू नॉट टेलिंग मी बिकॉज देयर इज इट नेवर हैपेंस कि आप इतने डिप्रेस्ड हो एंड यू डोंट नो द रीजन. वी ऑलवेज नो द रीजन, वी आर अनएबल टू जस्ट गिव वर्ड्स टू इट. दूसरी बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अपने बच्चों पे थोपते हैं टॉयज कि बॉय है तो वो ये सर्टेन एक्शन फिगर से खेले. जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई इसको लड़का बनाओ, अब वो नहीं बनना चाह रहा या फिर उसको उसका नेचर उस तरह का नहीं है कि वो अग्रेसिव नहीं है, तो हम चाहते हैं लड़का बनाओ या लड़की है तो उसको ये सर्टेन तरह के टॉयज दो. ऐसे ही और हो सकता है कि उसका कोई बहुत अच्छा टैलेंट, उसकी क्रिएटिविटी, उल्टा हम सप्रेस कर रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे बताएं कि व्हाट मेड यू चूज दिस फील्ड? Oh, so it's a long journey actually. I just started as an educationist, started working in a school setup basically. Wanted to do textile designing, then I went into education basically. Then I went into dyslexia ki training, seeing in the classroom ke bachche are different and learning difficulties, where I worked with children with autism and Down syndrome, and I realized that there is something which is in common, they're all child. And even when I started, and I did my humanistic integrative counseling diploma, and I realized that, you know, even when you're working with adults, you're actually working with their child. So that unhealed child, which is just still there. Yeah. So it's all about children all the time. So and I true. Wanted to do something which really caters to each and every child, not just regular child, mainstream child, dyslexic child, but just generally, what is it? Because har cheez ke underlying, हर हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कुछ ना कुछ होता है. बिकॉज इज नथिंग लाइक परफेक्शन इन द वर्ल्ड. सो इवन इफ यू आर अ परफेक्ट पेरेंट, यू देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट पेरेंटिंग. सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा. एंड आई थिंक जस्ट यू नो एम्पावरिंग किड्स वाज जस्ट, आई वाज जस्ट ऑब्सेस्ड विद किड्स ऑल टुगेदर. एंड यू नो आई वाज रियली पैशनेट टू वर्क विद देम, व्हिच केटर्स टू ईच एंड एवरी चाइल्ड रादर देन काइंड ऑफ यू नो मेकिंग दीस डिफरेंसेस के ये you know it's a special needs child, it's this child, it's this child. So where did you learn it from? So I was really blessed that there was this trainer who used to come to Karachi, Anna Malik, and she runs these training. She's now in Islamabad, she used to be in Karachi, but I also had like a background of educational psychology, and then I picked up courses, a lot of them online. Then I traveled a lot to gain all these trainings. Koi saal ki thi, koi do saal ki thi, koi workshops thi. So ye aapki multiple trainings thi, not the play therapy. Trainings, okay. Multiple trainings. Psychology related? Psychology and working with children. Right. Like working with adopted children, working with foster children. Koi America se thi, koi Boston Institute se thi. And I did,
I picked up a lot of courses from Canadian Association of Play Therapy. Mm-hmm. So there are certain number of hours that you have to complete, and it's like an ongoing process. Mm-hmm. It's made, you're still like, being trained, always studying, yeah, always. So that somehow just because of love for children, or ye janna ki dunya ke har masle ka hal uske building blocks mein, to wahan se aapko play. अच्छा मुझे बताइए कि अगर कोई parent है वो ढूँढना चाहता है play therapist, तो उसको क्या चीजें देखनी चाहिए कि ये qualified therapist है, कैसे पता चलता है? You know, आई थिंक प्ले थेरेपिस्ट बहुत कम है यहाँ पर, मगर है, ऐसा आसानी से मिल जाएंगे आपको तो वो आपको आसानी से है ही 5-6, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नहीं है. अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होते जा रहे हैं, बट फॉर नाउ जितना मुझे पता है उतना यही है कि बहुत कम प्ले थेरेपिस्ट हैं, एंड स्पेसिफिकली कि जो वर्क विद चिल्ड्रन. मगर उसमें ये कि आई थिंक you know it's just the right click and the right match, it's not about good and bad therapist. aur ye bhi hai ki jiska aapke bacche ke sath rapport acha develop ho gaya hai na, you know, jaise bilkul teen bahut behtareen therapist honge, one might work for me and the other doesn't. Do doctors honge same qualifications, magar ye mere liye kaam kar raha hai aur ek dusre ke liye nahi kar raha. kabhi kabhi ye hota hai ki koi clinical psychologist wo kaam nahi kar pata jo ek therapist kar deta hai na. acha aapne kaha ki sab ye bachchon ke liye nahi hai, bade bhi क्या करती हैं, कोई बड़ा आ जाए, मुझे ऐसा कोई एडल्ट आ जाए रोता धोता, अब आप क्या, कोई भी इसके एडल्ट आ जाए जिसका बहुत यू नो कहीं मिस्ड एजेस है, वो जहाँ पे दे डिड नॉट नो हाउ टू हैव फन, एंजॉय, देयर इज आर्ट, देयर इज पेंट, देयर इज सैंड, देयर इज अ लॉट ऑफ सैंड हीलिंग दैट हैपेंस, यू वर्क विद द सैंड, यू वर्क विद द क्ले, एंड दीज आर नेचुरल थिंग्स, यू नो नेचर, सैंड है, क्ले है. You know, आज भी अगर सामने रखी होगी या प्लेडो भी रखा होगा, you know, I give it to you, you will start working. It's like a natural. और ये जैसे I've got children, तो when you buy toys for them, आप पहले खेल रहे होते हैं उनसे, है ना? आप वो बनाते हैं, जब clay होता है तो you are always there with them, clay modeling, and you enjoy that. तो हकीकत में तो देखें, हम सबके अंदर बच्चा मौजूद है, हमने खुद उसको सुलाया है नींद की गोलियाँ दे के कि बस अब बड़े हो जाओ. कोई जब आप थेरेपी करती हैं और फर्ज करेंगे आपके पास कोई पेरेंट आ रहा है अपना बच्चे लेके, तो क्या ऐसे चीज़ें हैं जिन पे उनको नज़र रखते हैं वो, ताकि पता चलता होगा कि हाँ प्ले थेरेपी, जैसे आप नहीं तो किसी और के पास कोई जाता है, तो हाउ दे कैन आइडेंटिफाई कि दिस थेरेपी इज़ वर्किंग और नॉट. मैं उनके लिए कह रही हूँ कि somebody is thinking कि मेरे बच्चे को प्ले थेरेपी में जाना चाहिए और उनको पता नहीं है कि क्वालिफाइड है नहीं है, तो आपको किस तरह पता चलता है कि आपका बच्चा. ये एक ऐसा क्वेश्चन है दैट पेरेंट्स आते हैं, दे ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, दे गिविंग योर चाइल्ड, यू नो योर चाइल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर दोस 50 मिनट्स और इवन 1 आवर. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आपको 3-4 समटाइम्स 5 वीक्स आपको कुछ चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यू नो एज अ पेरेंट यू नो रियली नो योर चाइल्ड, देन यू स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग एट होम. कभी कभी एकेडमिक्स में फर्क पड़ने लग जाता है, कभी कभी जनरली सोशल स्किल्स, लेकिन ये थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना सना, क्योंकि लोगों को लगता है टीका है लगाया और बुखार उतर जाए. आई ऑलवेज टेल यू इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, एंड आई डोंट नो कि किस टाइम तक चलेगी थेरेपी. इट इज जस्ट लाइक अननोन, इट्स अ जर्नी, इट इज एब्सोल्युटली अ जर्नी. एंड इमेजिन वो इतने सालों के बाद 12 साल का बच्चा आ रहा है, वो 12 साल की चीजें होल्ड करके आ रहा है, तो 12 दिन में तो खत्म नहीं होने वाला. बट यू नो इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, हाउ रेडी दे आर, हाउ मच डू दे वांट टू हील, हाउ मच ऑफ रेजिलियंस डू दे हैव, कितनी ग्रिट है, कितनी नीड है. सो इट्स अ वेरी यूनिक, यू नो अल्लाह मियां ने सारी शक्लें एक जैसी नहीं बनाई, सो जर्नीज एक जैसी कैसे हो सकती हैं, सो दे ऑल हैव देयर ओन जर्नीज. तो सना पेरेंट्स भी तो कभी कभी करते हैं, अपना रवैया घर में नहीं बदलते और एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा मिरेकल जो है वो थेरेपिस्ट करेगा, 50 मिनट्स में हो जाएगा. सो आई ऑलवेज लाइक टू टेक पेरेंट्स ऑन बोर्ड, एंड समटाइम्स यू हैव टू गो टू एन ईटिंग डिसऑर्डर physician, sometimes I have to refer to a psychiatrist. The holistic approach aap apnate hain. So it's always a teamwork. It's kabhi bhi aisa nahi hota ki I have to work, because if I do not give the tools to the parents, then am I really giving them the wings to fly? Because eventually they are the ones who are going to be with them. Sahi. So I always work with parents side by side. क्योंकि मेरे ज़हन में आया कि जिन parents की वजह से probably वो trauma बेचारा carry कर रहा है 50 मिनट के बाद या 40 मिनट्स के बाद, उसने उन्हीं के साथ जाना है, तो बहुत ज़रूरी है टू एजुकेट देम ऑल्सो. एंड वो ये कि भाई थोड़ा सब्र रखें, आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है. एंड ऑल्सो ट्रेनिंग द पेरेंट्स टू बी काइंड टू देमसेल्व्स, की गलती हो गई, इट्स ओके, यू नो दे विल बी फाइन. अगर कोई गलतियाँ नहीं होंगी, ट्रामा नहीं होगा, तो रेजिलियंस कहाँ से आएगी? बिल्कुल. सना कहाँ प्रैक्टिस करती हो? So I work with Synapse, it's a neuroscience mental health institute, and I also have my practice. So it's in Clifton, right
very close to South City Hospital. So, yeah. It's run by a psychiatrist and it's a great team. We have like, it's a whole neuroscience. So, अगर हमें आपको Facebook या Instagram पे कहीं ढूँढना हो तो आप सना खान के नाम से मैं actually I hardly have any. नहीं चलें जैसे किसी को play therapist अगर चाहिए. है या play therapist. And how do you spell that? Synapse. It's Synapse. Synapse Synapse और ये क्लिफ्टन में है और साउथ सिटी के पास सना आखिर में कोई मैसेज पेरेंट्स को या उन लोगों को जो बेचारे थेरेपी के लिए आते हैं उनकी फैमिलीज को लिए कुछ कहना चाहती हो तो ओवर टू यू आई वुड जस्ट लीव ऑन दिस नोट दैट यू नो महंगे खिलौने और बहुत सारी चीज़ें लेने से यू नो बच्चा इज जस्ट गेटिंग ओवर स्टिमुलेटेड व्हाट द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज जस्ट प्ले विद देम फॉर 10 मिनट्स एंड you know you'll thank me later because us 10 minute mein na ke sirf connection build ho raha hai but that's the time when you're present you're really in the moment so apna play phone with phone rakhe unse khele magar everything just play us mein kuch bhi aur dimag mein nahi hona chahiye just play being 100% present sometimes parents are present all day but they're not really present so be present and just play with your child for at least 10 minutes a day That's the best gift you can give them. Yeah. Thank you so much, Sana. और मुझे भी आज एहसास हुआ कि खेल कूद कितना इंपॉर्टेंट है और हमें बचपन में शायद हमें बचपन इसीलिए हम मिस करते हैं कि वी स्टिल रिमेंबर ऑल दोज केयरफ्री टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू प्ले और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम इस बात का एहसास नहीं करें आज भी वही हम अपनी ज़िंदगी को आज से चाहें तो बेहतर बना सकते हैं चेंज कर सकते हैं किसी ने हमें नहीं रोका और एडल्टहुड में तो सबसे बड़ा फायदा है कि पीछे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है You always have a choice. Anna? It's the choice that we make. At the end of the day, it's the choice. Everything is about choices. Absolutely. Thank you so much for your Thank time. You so much और शायद मैं आपको फिर किसी और टॉपिक के लिए कभी और तकलीफ दूंगी जरूर It was lovely having you. तो जनाब आली आपने जाना कि खेल खेल से आपका दिमाग कितना सही ट्रैक पे रहता है और हमें ना हमने खुद अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें बंद की हैं हमने खुद अपने ऊपर काफ़ी सारी खामखा की पाबंदियां लगाई हैं हमें ऐसा लगता है ये चीज़ अच्छी नहीं लगती अच्छा हमें बचपन से ट्रेन भी ऐसे किया गया ना कि ऊंचा नहीं हंसो उछलो नहीं भागो दौड़ो नहीं लड़की हो लड़कियों वाले गेम्स खेलो तो अब आज से आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को कम से कम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर रोकें टोकें नहीं यही उनकी उम्र है वो अगर बुलबुलें फुलाना चाहते हैं करने दीजिए वो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं बच्चे हैं लेट देम बी चिल्ड्रन मैं ब्रेक ले रही हूँ चिल्ड्रन के टॉपिक पर ही एक और मेरे साथ सेगमेंट मौजूद है जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा टीज़र दे दूँ हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहे हैं और वहाँ पे हमें अक्सर एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ डिसीशन मेकर और उस वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो बच्चों के हवाले से बात होगी कि जॉइंट फैमिली में कैसे उनकी परवरिश की जाए आपने कहीं नहीं जाना मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद मिल रही हूँ वेलकम बैक मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज बात करने के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें ना पता नहीं क्यों हम बहुत पसंद नहीं करते इस टॉपिक पे बात करना हमारे माशरे के कुछ ऐसे रिवायात हैं जो कि हमें पता होता है कि वो दे आर नॉट वर्किंग फॉर अस या ये कोई इनका कोई रिज़ल्ट खातर खा नहीं निकल रहा लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हमारी रिवायात हैं तो हम उनसे पीछे नहीं हटना चाहते फॉर एग्ज़ाम्पल अरेंज मैरिजेस मैं पर्सनली अरेंज मैरिजेस को पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन दो लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है उनको फैसला करने का ज़रूर हक देना चाहिए वो हम क्यों नहीं देते क्या नहीं देते उसके पीछे बहुत सारे मुहरिकात हैं मैं किसी और शो में बड़ी डिटेल में उससे बात करूँगी लेकिन मैं पर्सनली अरेंज मैरिजेस को ख़ास अप्रिशिएट नहीं करती हूँ क्योंकि ये जब जिस क्योंकि किसी भी चीज़ का फैसला ले अगर आप ख़ुद नहीं लेते तो आप उसकी फिर आप ब्लेम आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं ब्लेम करने के लिए तो साइकोलॉजिकली जब आपके पास कोई और होता है ब्लेम करने के लिए तो आप कभी भी ओन नहीं करते अपनी गलतियों को तो दिट्स अ लॉन्ग टॉपिक फिर हो गया जहेज देना लैविश शादियां करना दैट इज़ अगेन अपसर्ट बहुत ही बेवकूफ़ी की काम हरकत है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना वो तमाम पैसा और अपने रिश्तेदारों से उधार मांग मांग के पैसा खर्च कर दें शादी पे जिस शादी का कोई गारंटी ना हो कि वो जहेज देने से या इतना सारा जेवर चढ़ाने से या सारी बरी के चढ़ावे और सारे तमाशे करने से कोई गारंटी हो कि शादी कामयाब हो और एक और हमारे माशरे की ज़बरदस्ती की रिवायत है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम इसके बहुत सारे फ़वाद भी हैं लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं जो हमें अक्सर हम ऑब्ज़र्व करते हैं उनमें से एक नुकसान जो कि हम बहुत
ऑब्जर्व करते हैं वो ये कि जिसको आप फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, वो है बच्चों की तरबियत। जब एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर किसी की अपनी से होती है, हर कोई कोई ना कोई मशवरे दे रहा होता है, तो बच्चा अक्सर चूचू का मुरब्बा बन जाता है और वो एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है और हर कोई अपनी अपनी उस पर एक सोच थोप रहा होता है, तरबियत के अलग अलग अंदाज़ होते हैं, फिर एक खींचातानी भी होती है। अगर पहला बेटा पैदा हो गया 5-6 पोतियों के बाद, तो अब उस बेटे का सब ओनरशिप लेंगे और इतने सेंसिटिव हो जाएंगे उस बेटे की तरफ कि उसको लाड़ प्यार में या तो सड़ा देंगे या चाहेंगे कि तमाम हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरे ख़ानदान भर की वही पूरी करे। अक्सर पेरेंट्स आपको गायब नज़र आते हैं जॉइंट फैमिली में तरबियत में, और अगर खुदा ना खासा वो पेरेंट्स जो हैं वो माली हैसियत उनकी कम हो या वो घर का सबसे छोटा बेटा है या छोटी बहू है, तो उन बेचारों की कोई हैसियत औकात नहीं होती। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है और ख़राब हो जाता है, तो इल्ज़ाम डायरेक्ट माँ बाप को थमा दिया जाता है, दादा दादी पीछे हो जाते हैं, सारे पप्पू ताया चचा पीछे हो जाते हैं, कहते हैं इनकी तो माँ ने तरबियत ही सही नहीं की, अब बाप पता नहीं कहाँ किन पता नहीं किन चीज़ों में बिजी था, बच्चे देखो कैसे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं कि जब आप एक बच्चे को एक बहुत बड़ी फैमिली में पालें, इसी अगर आप इसी सिचुएशन में रहते हैं, इस सिचुएशन में रहने का आर्ट क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ के अपनी फैमिली को चले जाएं, लेकिन उस सिचुएशन में किस तरह रहें कि आपका बच्चा भी अच्छी तरबियत पाए, आपके घर में झगड़े भी ना हो, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा पैनल का आज इंतखाब किया है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और लाइफ कोच जिनका नाम है सना कमाल। थैंक यू सना फॉर बीइंग ऑन द शो। फिर मौजूद हैं शबीन मज़हर, आप पहले भी इनको शो पे देख चुके हैं, ये एक थेरेपिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ कोच हैं। तो शबीन और दोनों ख़वातीन जॉइंट फैमिली में बच्चे एक सर्टन सालों तक पाल चुकी हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा पैनल है। मैं भी काफ़ी अरसे तक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, बच्चे हैं मेरे, तो क्यों हमने दोनों साइड्स देखी, हमने फ़ायदे भी देखे, हमने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस थे। तो टॉपिक बहुत अहम है, सबसे पहले तो मैं वेलकम टू द शो, और इतने औखे किस्म के टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आप दोनों बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक, तो पहले आप अपने ससुराल वालों से पहले ही माजरत कर लीजिए कि जो भी कह रहे हैं ये स्क्रिप्टेड था, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, इनको एक स्क्रिप्ट दे दिया था मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले सना, सना भी जो मैंने पूरा प्रीएम्बल बनाया कि हम आमतौर पर चैलेंज यहाँ पर आता है, कभी डिसीशन मेकिंग में चैलेंजेस आते हैं, कभी बाउंड्री सेट करने में चैलेंज आते हैं, तो आपका अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, बच्चों को इंडिपेंडेंट यूनिट में ज़्यादा बेहतर है पालना या जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेहतर आइडिया? अच्छा देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है महविश, बिकॉज दोनों के अपने पर्क्स हैं, इंडिपेंडेंटली रेस करने के भी और जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी। जॉइंट फैमिली में आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके पीछे होता है, एक बच्चों के लिए काउंसलिंग गाइडेंस आपको फ्री में मिल रही होती है, बेबी सिटिंग आपको फ्री में मिल रही होती है, आप घर से बाहर निकलते हैं यू नॉट वरीड, पीछे कुछ ना कुछ आपको पता है, दादा दादी कोई ना कोई पीछे होगा जो देख लेगा, तो ये एक तरह से आप समझें कि एक आपको सपोर्ट है आपका। लेकिन देन ऑन दी अदर हैंड लाइक यू सेड कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिर आप यू नो आप पे क्वेश्चन रेज होने लगते हैं आपकी पेरेंटिंग पे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेसिकली इसका येस और नो जवाब इसलिए नहीं है बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंसेस एंड द सिचुएशन। एक थोड़ा मैं अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगी अपना, सम माइट अग्री विद मी एंड सम माइट नॉट। यहाँ पर हम माँ 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 एक फीमेल फिगर की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू रेजिंग किड्स, चाहे इंडिपेंडेंटली हो या चाहे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट स्टेप है बाप के लिए, यहाँ एक बाप का रोल बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हेड ऑफ़ द फैमिली एट द एंड ऑफ द डे इज़ द फादर। हमारे माशरे में देख लें, आप वेस्ट में भी देख लें, डिसीजन मेकर के ज़्यादातर मेल फिगर्स ही होते हैं, तो माँ के साथ साथ अगर बाप भी एक बाउंड्री ड्रॉ कर दे इफ़ यू आर इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज अगेन हम यहाँ ये बैठने तो डिसाइड करने नहीं बैठे कि आप अगर बैठे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो आप निकल जाएँ हट जाएँ, बट देन हाँ उसमें रहते हुए चैलेंजेस कैसे आप उनको कैसे डील करें, तो एक बाप का भी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू योर किड्स, जाहिर सी बात है आपने पैदा किया है बच्चों को, तो आपका हक बनता है इस तरह से भी, बिकॉज जैसे आप अपने माँ बाप को भी हक दे रहे होते हैं सास ससुर को, तो इसी तरह बाप के बच्चे हैं तो आपका भी हक बनता है उनके ऊपर। तो बिल्कुल आप ओपिनियन लें, गाइडेंस लें, लेकिन कहीं कहीं आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन इन अ वेरी प्लेफुल मैनर, या बड़े आप तमीज़ से ओबीडियंस से ये बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हैं कि देखें हम आपकी गाइडेंस आपकी इनपुट वैल्यू करते हैं एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम यू, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उनसे लर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी ओपिनियन है, हमने भी ये सीखा है या हमारा भी ये ख्याल है, या जैसे पहले बात हो रही थी कि एक माँ बाप माँ या बाप अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका ही हो रहा होता है, इंटरेक्शन भी आपका हो रहा होता है, तो ये चीज़ अगर आप एक कम्युनिकेट कर दें बजाय इसके कि आप पीछे जलते रहें कुड़ते रहें यू नो और आप एक नेगेटिविटी लेते रहें अपने अंदर, बिकॉज अगर आपने अपने अंदर नेगेटिविटी ले ली तो फिर वो आपको हर चीज़ नेगेटिविटी और फिर आप जो बच्चों की तरबियत करने निकले आप यूजली मैं शबीन की तरफ आऊँगी, अक्सर ऐसा नहीं होता पूरा गुस्सा माएँ अपने बच्चों पर निकालती हैं,
शबीन, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कम्युनिकेट करें, अक्सर प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का ही है. एज अ डॉटर इन लॉ, बहुत अच्छी बात की सनाने कि ये बाप की जिम्मेदारी है क्योंकि वो सरबराह है उस फैमिली का. भले वो पूरी फैमिली एक कमरे में ही घुसी हुई हो, उनको एक ही कमरा मिला हुआ, लेकिन सरबराह तो वही है. तो लेकिन हमारे यहाँ वो सरबरा मिसिंग होता है जॉइंट फैमिली में. हम हमेशा बहू को ही पेश कर देते हैं और बहू वर्सेस सास कर देते हैं समहाउ, क्योंकि मर्द कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हम तो सारा दिन थके आ रहे हैं, हमें हमारा खाना मिल जाए और हमारा बिस्तर मिल जाए. दिस इज ऑल दे आर कंसर्न्ड विद. तो कम्युनिकेशन कैसे की जाए, हाउ टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग, बिकॉज जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है उसमें जो है फादर जो है, एक जब आपकी शादी हो जाती है आपको एक सेपरेट, आपकी इंटरफेरेंस थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, आपका एक ऑटोनमी होनी चाहिए कि आप अपनी डिसीशंस, अपने बच्चों की परवरिश की आप थोड़ा सा उसमें वो मगर उसमें फिर दादा दादी आ जाते हैं. अथॉरिटी जो होती है डिसीशन मेकिंग की वो दादा दादी के ऊपर होती है, तो यू कांट डू मच. उसमें जो है कम्युनिकेशन में भी आपके बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं कि अच्छा ये अगर करना है तो इससे पूछो, वो भी आपको मशवरे दे रहा है, ये भी मशवरे दे रहा है, तो आपकी जो है यू आर नॉट द ओनली डिसीशन मेकर. और कम्युनिकेशन भी बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है, आप सही बात नहीं करते, दूसरा जो है वो आपकी बात जो है वो दूसरे तरीके से ले रहा होता है. अगर आपकी सास आपने कुछ बोलना चाह रही है वो मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, पसंद नहीं है हमारा बच्चों के. हम तो लाड में कर रहे हैं. ये शबीन एक और चीज ये भी होती है कि ये जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उन्होंने हमारा घूंघट उठाते ही बताया होता है अम्मी किसे कुछ नहीं कहना या मैं नहीं सुनूंगा कि तुम मेरी अम्मी. अब जब वो शुरू में क्या करता है कि अपनी जान छुड़ाता है कि यार ना ही मैं इस मामले में पढ़ूंगा, भाई अम्मी के आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो वो बेचारी जो खातून है उनको तो वो कम्युनिकेट करने का कोई चांस ही नहीं है ना, बिकॉज उसको पहले दिन ही बताया हुआ है कि तुमने कुछ नहीं कहना है ना. तो देखिए आपको कितना, एक जो नई शादी हुई है और बच्चे भी अगर न्यू पेरेंट्स हैं तो उनको कितनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है. दे हैव टू डील विद द रिलेशनशिप विद द इन-लॉज, फिर अपने हस्बैंड को रिलेशनशिप और अपने बच्चों की रिलेशनशिप और बहुत सारी जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो बीच में आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में. कम्युनिकेशन भी घिचपिच खिचड़ी बन जाती है, आपको कुछ और कम्युनिकेट करना है, कोई कुछ और समझ रहा है. फिर आप जब जॉइंट फैमिली में होते हैं इमोशंस आर हाई, आप डिसीजन ले रहे होते हैं इमोशनल माइंड से, रैशनल माइंड बिल्कुल दूर दूर तक गायब होता है आपका इमोशनल. कोई आपको किसी की बात बुरी लगी आपने आगे से कुछ बोल दिया और एक दफा वर्ड्स गलत निकल गए आपको पता है दे कैन नॉट कम बैक. द टोन ऑफ द वॉइस द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जॉइंट फैमिली में लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं कि इसने मेरे ऐसा क्यों बोला, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया, यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चे भी ना इतने चलाक होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि अच्छा अम्मी की और दादी की बननी रही है तो मैं जो अपनी बातें अम्मी से मनवानी नहीं है. मैं आपको बताती हूँ मेरी बेटी, नाउ शी इज अ टीनेजर बट व्हेन शी वाज स्मॉल मैं उसको कुछ भी डांटती थी वो फौरन जाके दादी के पास, उनका उसको कुछ नहीं बोलना. तो मेरा था कि मेरी कोई सही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं, आई कांट से एनीथिंग टू माय. और आप अपने बच्चे से डर रहे होते हैं है ना, बच्चे सीक्रेट्स फाड़ रहे हैं तो आपके अलग ही बैटल है. आपकी प्राइवेसी नहीं होती ना, एक आपकी एक जब आप लाइफ बना रहे हैं आपकी प्राइवेसी एंड यू वांट टू सेट सम बाउंड्रीज कि ये बच्चों को यू वांट टू से कि इस चीज पे बिल्कुल नो. और वो आपसे आपने नो कर दिया, उधर जाके दादा दादी से परमिशन ले ली, उन्होंने कहा ठीक है जी कर लो. तो अच्छा इसी तरह बच्चे थोड़े बड़े होकर उनका आइडिया होता है अच्छा मेरी जो खालाएं हैं अम्मा उनकी सुनती हैं तो वो खालाओं से आपकी शिकायतें लगा रहे हैं. तो बच्चे आर वेरी स्मार्ट, अक्सर इसमें आप ना सिर्फ अपने ताल्लुकात बड़ों से खराब कर रहे होते हैं आप अपने ताल्लुकात बच्चों से भी खराब कर रहे होते हैं. अच्छा अब जैसे बात हो रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आप एक बहू हैं आपकी कोई से नहीं है, हमने इसको एस्टैब्लिश कर लिया, यूजली 90% फैमिलीज में ऐसे ही होता है. और अगर आपकी से होती है तो फिर आप पे बदतमीज़ का लेबल लग जाता है. हम इस पे भी बात करेंगे कि एज अदर फैमिली मेंबर्स आप किस तरह इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चले, हम उस पे भी बात करेंगे. लेकिन अभी हमें इस बहू के कॉन्टेक्स्ट में बात करें एज अ मदर, कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइंस भी ओपन नहीं हैं और बच्चे भी अब आपके काबू में नहीं हैं, एज अ मदर क्या रोल होना चाहिए, एज अ वाइज मदर किस तरह आप इनको क्लैरिटी कैसे लें, एस्टैब्लिश कैसे करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो आप जहाँ से स्टेप ले भी सकते हैं स्टार्टिंग में वो अपने बच्चों के थ्रू है. सबसे पहले अपने बच्चों से कम्युनिकेशन लाइन ओपन करें
उसके बाद जाके, क्योंकि अगेन जैसे इन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई होती है, इतने ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस होते हैं, एंड बच्चे यू आर राइट वो एक्सप्लॉयड भी करने लगते हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, तो वो कहीं ना कहीं से अपना मतलब पूरा कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिकेशन लाइन और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करनी है बच्चों से, और उनको ये बताना है. जैसे कि अभी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी थी कि यू नो आपने एक चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट किया, दादा दादी के पास वो बच्चा गया, उसको वहाँ से मिल गया. काफ़ी घरों में शुगर इंटेक वगैरह का इशू होता है कि कई माँ बाप होते हैं वो सोने से दो तीन दिन पहले कोई मीठा नहीं देते, दो तीन घंटे पहले दादा दादी के पास जाएंगे उनसे चॉकलेट्स मिल जाएंगी, कैंडी ब्रश करने के बाद भी कुछ मिल जाएंगी. तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये कम्युनिकेट करें कि आई एम नॉट द विलन हियर. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आप सबसे पहले उनको बताएं कि देखिए मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ. हाँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आई एम योर बिगेस्ट वेल विशर, बिगेस्ट सपोर्टर, एंड आई एम नॉट द विलन हियर. बट हाँ, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जाहिर है आप अगर छोटी एज से बड़े हो रहे हैं तो उनके भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस यू नो. और वही बात है कि कहीं कहीं फिर ऐसा होता है कि नेगेटिविटी आने लगती है. बच्चे भी कभी कभी कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे कह रही हैं, ये ऐसे. अब जैसे आप छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं कि आप अपने बच्चे का हाथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए अगर अपने बच्चे के हाथ आपके गंदे हैं, आप अगर नहीं धुलाएंगी तो आप पे ये तनकीद होगी कि आपने हाथ नहीं धुलाए. अगर आप धुलाएंगे अच्छी तरह तो ये तनकीद होगी कि इतनी देर से पानी खुला हुआ है, आप धुला भी नहीं हैं. तो यू नो दिस हैपेंस. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बच्चे ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. तो बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि आई एम नॉट द विलन है. अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे लगा रही हूँ या अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ. और दादा दादी भी विलन नहीं है, वो भी भले के लिए कह रहे हैं, बट मे बी वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख रही हूँ. एज योर मदर, जितना मैं आपको जानती हूँ, जितना मैं एंटिसिपेट कर सकती हूँ कि इससे क्या नुकसान आपको होगा, मे बी वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं. तो आप पहले तो बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग दें. फिर जहाँ तक बड़ों की बात आती है, आपके इन लॉज जो घर में रहने हैं उनकी बात आती है, उनको भी देखें. ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे आप बिल्कुल स्मूथ सेलिंग नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं. आपने एज अ वाइज मदर पूछा, तो मैं उस मदर के रोल में ही बेहतर बता रही हूँ कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें. आप ये मत सोचें कि इट्स अ बेड ऑफ रोजेज, आप एक सुबह उठेंगी तो सब चीजें आपके मुताबिक. और ये भी है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करेंगे तो आगे वाला भी इतना रिसेप्टिव मोड में बैठा होगा. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो आप एक तो एक रोज एक बैटल के लिए तैयार हैं और अपने आप को इतना स्ट्रांग रखें, अपने नर्व्स इतने स्ट्रांग रखें कि यू डोंट. आप फिर वो चीज जैसे हम पहले बात करते, गुस्सा बच्चों पर ना निकले, घर के नौकरों पर ना निकले, घर के बर्तनों पर ना निकले. तो अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखें कि आप उस चीज को डील करें. और फिर बच्चों के बाद जब आपके इन-लॉज की बारी आती है तो कहीं कहीं यू हैव टू लाइक अगेन आई सेड कि पुट योर फुट डाउन. कहीं कहीं हो सकता है इसमें नाचाकी भी हो जाए, कहीं कहीं बदमजगी भी हो जाए, जहाँ पर अगेन मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि आपके हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा होगा. अक्सर मिसिंग होता है, मिसिंग तो हम थोड़ी देर असूम करेंगे वो भाईजान गायब है, वो खपे पड़े अपने कारोबार में. तो इट इज ट्रिकी, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ स्मूथ सेलिंग, बहुत ट्रिकी है. लेकिन ये कि आप अपनी कम्युनिकेशन, तो आपकी वो है कि कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग बैक टू यू शबीन, कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और बीइंग अ मदर, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि द पावर यू हैव ओवर योर चिल्ड्रन, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके साथ ही सो रहे हैं. वो आप माँ माँ ही होती है, इवन बाप से भी ज़्यादा बच्चों को माँ से ज़्यादा मोहब्बत होती है. तो लेकिन हम जो गलती करते हैं वही जो गुस्सा सारा बच्चों पर निकाल दिया कि बच्चे आपके साथ सेफ ही महसूस नहीं कर रहे. वो कर ही सेफ फैमिली के दूसरे लोगों के साथ हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट वेयर दे फील सेफ. बच्चों की तो बात हो गई शबीन, बड़ों के साथ आपको नहीं लगता कि जो असल आर्ट है वो बड़ों से बात करना है? उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सही कह रही हैं महविश, बिकॉज बड़ों से जो कम्युनिकेशन है वो एक क्योंकि वो आपको ना समहाउ अपनी पार्टी भी नहीं समझ रहे और उनको ये भी लग रहा है कि ये एक फेल मदर है. और अगर ये मुझे मशवरे देगी तो हमें सिखा रही है, हम जो 60 साल के हो गए बच्चे पाल रहे हैं. जो मदर है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ भी उसको, बच्चे भी दिमाग खा रहे हैं, बच्चों की भी उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, फिर ससुराल वालों को भी बना के रखना है, मियाँ से भी रिलेशनशिप करना है. तो व्हाट इज वो इस चक्कर में वो अपना जो है अपनी सेल्फ केयर, अपना इमोशंस जो है वो उनके चिड़चिड़ी भी हो जाती है, चिड़चिड़ी, फिर वो गुस्सा जा रहे हैं मियाँ पे, बच्चों पे निकल, नोबडी इज हैप्पी विद हर. फिर घर के कामों में कुछ निग्लेक्ट हो रहा होता है, कुछ कभी किसी को बोल दिया तो वो फिर आगे से उनको बोल रहा होता तो है. तो कैसे बड़ों के साथ, मेरा इस वक्त आपसे सवाल ये कि बड़ों के साथ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इन दिस केस. आप क्या टिप देंगी कि अगर आपको डिफिकल्ट लोगों से कॉन्वर्सेशन करनी है तो वो कौन सा तरीका है जो कि सक्सेसफुल हो सकता है? जी, सबसे पहले तो आप फौरन रिएक्ट नहीं करें. ठीक, मैं सबको कहूंगी थोड़ा सा आप सबर करें. साइलेंस इज वेरी साइलेंस और साइलेंस ये मुंह बना हुआ है ऐसा, हां मुंह सड़ा के बैठी है, बर्तन पटक रही, वो वाली साइलेंस वाला साइलेंस कि आपकी उससे भी बॉडी स्ट्रक्चर से भी वो नहीं पता चल जाए कि इनका दिन को गुस्सा आ रहा है. वो वाला साइलेंस नहीं, आपको यू नो आपको बस चुप रह के लेट गो करते हैं.
ठीक है, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज कि वो किस भी तो बात करना है ना, और उनको उनके क्या बिलीव्स हैं, उन वो कहाँ से आ रहे हैं, अब जमाना चेंज हो गया है, उनके जमाने में चीजें नहीं थी बट दे आर कैरिंग दैट बिलीव्स दैट वो लेके आने वाले हैं, हम भी आगे 40 साल बाद सबके सबकॉन्शियस में, और बच्चों बच्चे भी देख रहे हैं, अम्मा अपसेट हैं, गुस्सा निकल रहा है उनके, तो उनके भी सबकॉन्शियस में जा रहा है कहीं ना कहीं, व्हेन दे विल ग्रो अप दे विल आल्सो, वो उनके सबकॉन्शियस में जा रहा है, वो हैबिट्स बन रही हैं उनकी. सो पहली बात है आप नॉट टू रिएक्ट, अगर आप फॉरन रिएक्ट करेंगे बच्चे भी आप पे, मतलब वो सीख रहे हैं, वो भी रिएक्ट करेंगे, वो भी इसी तरह वो भी दादा दादी को कल जवाब दे देंगे कल को. सो जस्ट डोंट से, बिकॉज वर्ड्स जब गुस्से में आपके जो वर्ड्स निकलते हैं, यू कांट टेक देम बैक, वो यू कांट टेक देम बैक. तो पहला तो आप रिएक्ट नहीं करें, आप चुप रहें, रिएक्ट नहीं करें, उसके बाद लेट गो करने की कोशिश करें, तो पुट योर सेल्फ इन देयर शूज कि यार उन्होंने जो बोला है उसका मतलब क्या है, मतलब डोंट उनकी वर्ड्स को आप लेके वो नहीं करें, आप उसका वो करें कि वो क्यों बोल रहे हैं, प्यार में बोल रहे हैं बच्चों के, वो दादा दादी ये लाड कर रहे हैं इसलिए शायद बोल रहे हैं. सो हाँ तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड. दूसरा मैं ब्रेक लूँगी फिर हम वापस आएंगे. अच्छा दूसरा बहुत ज़रूरी बात ये समझने की है कि देखें उनको जो मोहब्बत अपने पोता पोतियों से है ना, वो अपने बच्चों से भी नहीं थी, क्योंकि बहुत नेचुरल है कि नवासे नवासियों से पोते पोतियों से कोई नेक्स्ट लेवल प्यार होता है. तो बहुत दफ़ा हम लाड में उन्हें चॉकलेट देते हैं, हमारी कोई दुश्मनी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की कोई दुश्मनी नहीं होती. प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स एक पार्टी नहीं होते, एक टीम नहीं होते. हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम सब मिलके इस बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाना चाह रहे हैं, या ये जो तमाम हमारा एफर्ट्स हैं इस बच्चे की बेटरमेंट के लिए. तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स के साथ दोस्ती वाला और एक टीम वर्क डिवेलप करें, जो कि सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हम अपनी अना को उठा के संदूक के अंदर रख देंगे, रजाइयों के नीचे. अभी तो रजाइयाँ निकलने का टाइम होगा, फिर भी अना को अंदर रहने दीजिएगा. मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, मेरे पास कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सुलगते हुए सवालात हैं, और अगर दादा दादी या नाना नानी देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट हेट दिस शो. अभी हम आपकी तरफ से ही बात करेंगे, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. हम बहुत ही एक माशरे के एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसपे मुझे लग रहा है ज़्यादा हेट ही मिल रहा है, क्योंकि हम ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते इस बात को कि जो एक हमारा ऐसा जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसको हम सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ऊपर ऊपर अंदर से जो है हम भी बड़े तंग हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अच्छा शबीन, मैं आप बल्कि मैं इस पर एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा एक ही बेटा है तो तुम तो अपनी बहू के साथ रहोगे, मैं कहती हूँ क्यों, मैं अपनी प्राइवेसी पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ. अब मतलब बहू आ जाएगी फिर वो देखती रहेगी कि सास जो है कितने बजे उठी, कितने बजे सोई, कहेंगी ये तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम रोज तैयार होकर निकल जाती है, तो मैं क्यों अपनी प्राइवेसी पर जो है वो खामखा एक सर्वेलेंस कैमरा लगवाऊँ. अच्छा शबीन देखो, बहुत दफ़ा ना कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है. अक्सर ऐसा होता है कि दादा दादी फुप्पो चाचा दे बहुत ही प्लेजेंट लोग होते हैं, बहुत खुश अखलाक भी होते हैं, मोहब्बती भी होते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन बहू का ना एक माइंडसेट होता है कि सब मेरे दुश्मन हैं और ये क्यों कह रहा है, मेरे बच्चों के बारे में क्यों ऐसे बात कर रहा है. तो अक्सर ख्वातीन का ही इशू है कि उनकी टॉक्सिसिटी कह लो, नेगेटिविटी कह लो, या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को वो बहुत हवा देती हैं. एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप. मैंने बोला था वो जहाँ से आ रही हैं शायद उन्होंने बचपन में कुछ इस तरह से देखा हो, शायद उनकी अपब्रिंगिंग जब हुई हो तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हो, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका माइंड सेट जो है वो ये बन गया है कि कोई भी सब मेरे दुश्मन है, या कोई भी ये कुछ बात बोल रहा है इसके पीछे कुछ और रीज़न है, तो वो उनका एक माइंड सेट बन गया है. सो वो जो परसेप्शन, वो अच्छे भी लोग होंगे, कोई अच्छी भी बात कर रहे होंगे, उसको वो उनके माइंड में जो है वो डिस्टॉर्ट कर देगा. बिकॉज आपको पता है माइंड जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ होता है, और वो इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट कर रहा होता है जिस तरह की आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन. अगर उनके माइंड में पहले से उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में है कि यार ये पता नहीं मेरे अगेंस्ट हैं, या ये कुछ दे डोंट लव मी, या दे आर नॉट जेन्युइनली यू नो reasonable with me, तो वो फिर आप इसको distort, आपका information जो है वो distort करेगी, आप उनकी खूब सारी चीजें वो बैठ के बच्चों से दादा दादी की बुराइयां कर रही होती हैं, फूफों की बुराइयां कर रही होती हैं, तो does it help those children? It doesn't help at all. बच्चे confused होते हैं, बच्चों को होता है कि एक तरफ दादा दादी प्यार करें,
और उनको नहीं पता कि अम्मा उनकी वो कर रही है, तो वो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर होता है कि वो किसकी सुने. वो बड़े कंफ्यूजन के शिकार होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में जो है अब ये शेप हो रहा होता है, पर्सनालिटी में जा रहा होता है. बड़े होके उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करें, एंड देयर नॉट आल्सो मतलब एक खिचड़ी बनी हुई होती है उनकी. वो भी वही उनका दिल चाह रहा होता है कि उनसे लाड उठवाएं, मगर अम्मा कह रही होती है कि नहीं आप उनसे यू नो स्टे अवे. तो वो बच्चे बड़े इसमें कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, और शायद इसी किस्म के बच्चे आगे चल के उसी तरह के टॉक्सिक एडल्ट्स बनते हैं. Exactly. और दे डोंट ट्रस्ट एनीवन. जब आपको ये पता चलता है कि इतना करीबी रिश्ता है जो कि खून के रिश्ते हैं, माँ ये बता रही है कि सारे विलन हैं और तुम्हें इनसे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, वैल्यूज डिस्टॉर्ट हो रही होती है ना, उनको ये नहीं अलाइन नहीं होती कि किसकी सुने किसकी नहीं करे. एक पर्टिकुलर वैल्यू एक फैमिली सिस्टम की होती है, तो जब इस तरह के दो लोग ज्वाइंट फैमिली में जो है ना, वैल्यूज इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों को नहीं पता होता कि उनकी वैल्यूज बड़ी डिस्टॉर्ट होती है. दे आर नॉट अलाइंड कि वो किसकी सुने, क्या उनकी वैल्यूज, किसको ट्रस्ट करें, किस में कन्फाइड करें, उनको ये बिल्कुल. और शबी ने कितना इम्पोर्टेंट वो है पॉइंट है, क्योंकि ये बच्चे आपके सब घर में नहीं रहेंगे, बड़े होकर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाएंगे, ऑफिसर्स जाएंगे, अभी हर जगह इनको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे. Exactly. ये हर जगह कोई ना कोई इश्यूज ढूंढ ढूंढ के उन पे लड़ाइयां करेंगे. और सेल्फ डाउट फिर क्रिएट हो जाता है. सेल्फ डाउट में रहेंगे. कुछ अम्मा कह रही है आप तो उनकी सुन रहे हैं, या यू कैन नॉट डू दिस, फिर कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है फिर. तो ये चीजें जो है वो पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती है आपको. बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, फ्रॉम 0 to 12 ईयर्स दे आर अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग. तो वो सब देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं, वो सब एटीट्यूड्स देख रहे हैं, बिहेवियर्स देख रहे हैं, वो सब दे आर लर्निंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर वही आउटपुट होगा, वही आउटपुट होगा. अच्छा सना, ऐसा भी तो बहुत दफ़ा होता है कि सिर्फ दादा दादी नहीं होते घर में, कोई ताई चाचियाँ रह रही होती हैं और उनके बच्चे नहीं होते, बच्चे वो छोटे भाई के बच्चे होते हैं, मगर वो हर मामले में बोलना अपना फ़र्ज समझती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि उनके बड़े बच्चे हैं, उन्होंने पहले से वो मदर हैं, भले वो कितनी फेल्ड मदर हो, लेकिन उन्हें लगता है क्योंकि मुझे कोई 10 साल ज़्यादा तजुर्बा है तो मैं हर मामले में बात करूं. और दूसरा उनको एक और भी बड़ी हमारी बड़ी ख़राब आदत है कि हम अपने बच्चों को उनसे दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे बच्चों की तो 90% आई है, इनके बच्चे की 70 आई है, तो माँ जो है ध्यान नहीं दे रही. तो उनको क्या मशवरा है उन ख़ानदान के लोगों को जो अपने बच्चों को दूसरा पूरा वक्त दूसरे बच्चों से कंपेयर करें? देखिए, उन ख़ानदान के लोगों को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक वक्ती तौर पे एक उनको टेम्प्रेरी हाई तो मिल जाता है इस चीज़ को ब्रैग करने में, बोस्ट करने में कि मेरे बेटे के तो A1 ग्रेड आया, तुम्हारी बेटी का तो B ग्रेड आ गया. एक वक्ती चीज़ है ये, ठीक है, ये इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज इसके बाद जब आप इस तरह की चीज़ आपके ज़बान से निकलती है और बार बार निकलती है, तो उसका फिर असर सिर्फ एक दो उन बच्चों पर या उस माँ पर नहीं होता है, फिर वो आपके अपने बच्चे भी देख रहे होते हैं. तो अगर आपको ये सोच के नहीं रुकना है, रोकनी अपनी ज़बान कि आप दूसरे को अपनी देवरानी को हर्ट कर रहे हैं, अपने भतीजे भांजे को हर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आप ये सोच के रोक लें कि आप अपने बच्चे को जो साथ में खड़ा हुआ देख रहा है, बड़ा खुश हो रहा है कि मेरी माँ तो मुझे चढ़ा रही है, उसको आप क्या वैल्यू दे रही हैं? उसको आप एक एरोगेंस, खुद पसंदी, ये चीज़ परवान चढ़ा रही हैं उसमें, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आपका अच्छा भी करना देख रहे हैं, आपका बुरा करना भी देख रहे हैं. तो मेरा ख्याल से ये पर्सपेक्टिव बहुत सारी ताइयाँ या पुपियाँ नहीं देखती हैं कि हम अगर अपने बच्चे को कहीं यू नो हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं ज़्यादा, दूसरे को लेट डाउन करके, हमारा बच्चा भी ये सीख रहा है. जैसे आपने कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कल को इनको ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी जाना है, इनको ऑफिसेज जाना है, इनको शादियाँ करनी है, तो वो यही चीज़ सीख के बड़े एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं अपने बच्चों को. अच्छा, फिर इसके नेगेटिव असरात सिर्फ उन जो लोग भुगतेंगे आगे उन पर नहीं जा रहे, आप भी पेरेंट्स हैं, यू विल बिकम ओल्ड एट सम पॉइंट, आप भी जाहिर है आपकी से ज़रा कम घर में कम होती जाएगी, आपकी पीक होती है ना, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं, फिर एक टाइम आता है जब आप बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कहीं कहीं फाइनेंशियली, कहीं इमोशनली, कहीं फिजिकली आप डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो अगर आपने अपना बच्चा इस तरह परवान चढ़ाया है कि उसमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक एरोगेंस आ गई कि मैं तो ये हूँ, कल को वो आपको भी लुक डाउन अपॉन करेगा. तो घूम फिर के ये एक जनरल कार्मा है कि आप बूमरैंग की तरह आपके ऊपर वापस आए. तो आप प्लीज जो भी जबान अपनी खोले, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, दादी नानी ताई चाची कोई, वो ये सोच के जरूर खोलें प्लीज कि आपकी अपनी औलाद देख रही है. क्योंकि देखिए, दूसरे की औलाद को तो नीचा करते हुए आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन अपनी औलाद पे बात आती है तो आपको बुरा लगता है या आप ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं. तो ये जरूर सोच लें कि बूमरैंग की तरह हर चीज वापस आप पर आएगी. ये जो बच्चे जिनको आप एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं, कल यही सलूक क्या आपके साथ भी करेंगे और आपका बुढ़ापा खराब होगा. तो अल्लाह से डर ना सही, तो आप एक जमाने और हालात से डर कर लें इस चीज पे कि इवेंचुअली अल्लाह से डरें, क्योंकि वकफाते अमल वो लोग बाद में याद आता है. वो आप 60 क्रॉस कर जाते हैं, 60 बीमार हो जाते हैं, तब आपके पास टाइम होता है कि आप बैठ के रिफ्लेक्शन. जबकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में
आपकी एज चाहे 22 हो, चाहे 25 हो, 35 हो, 45 हो, आपको दिन में 10-15 मिनट बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ही करना चाहिए. उसमें आप अपने आप को भी देखें, अपना एहतसाब भी करें, आप जो दूसरों के साथ बोल रहे हैं वो बातें भी सोचें. वही कि भाई अगर इट टेक्स टू टू टैंगो, आपने सही कहा ताली दोनों हाथ से बचती है. तो अगर आपको किसी का बिहेवियर कहीं हर्ट करा है दिन भर में, मैं अगर बैठूँ और मैं सोचूँ अच्छा सुबह में ये हुआ था, इस चीज़ से तकलीफ हुई थी, तो मैं थोड़ा सा एक मार्जिन ये भी दूँ कि यार क्या मैंने कुछ ऐसा किया था इनिशिएट जिसकी वजह से ऐसा हुआ था. और अगर आप ये नहीं करेंगे जाहिर सी बात है तो आप एक विक्टिमाइज अपने आप को करते जाएंगे. तो प्लीज़ ये अपनी सराउंडिंग का ज़रूर ख्याल रखें, जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी दबा रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से आपको हिट करेगी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा शबीन, जैसे मैंने एक बात कही थी कि बच्चे शायद जिसके साथ सेफ महसूस करते हैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो चाहे माँ हो, चाहे पप्पो हो, चाहे खाला हो, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो. अब अगर घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है और आपको ऐसा लगता है कि आई एम अनएबल टू गिव गुड एनवायरमेंट टू योर चिल्ड्रन, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बेड टाइम है, आपके पास कमरा है, तो हाउ टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस, मतलब किस तरह वो आप एक टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी को साइकिल के अंदर ब्रेकर या बैरियर का काम कैसे दें? बहुत आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि जी एनवायरमेंट बड़ा टॉक्सिक है एंड वी कांट, जिस तरह से हमने प्लान किया हम नहीं रेस कर सकते. और ये जो हमारे ब्रेन का है इट्स सेफ्टी, जब उसको बच्चे को भी दे आर लुकिंग फॉर सेफ्टी, जब उनको सेफ सेफ्टी इज द मस्ट फॉर एनीवन, इट इज मस्ट. तो उसके लिए ये कि जब रात को आपके पास टाइम हो, यू शुड, जैसे उन्होंने कहा था कि 10 मिनट्स आपको देने ही प्रेजेंट मोमेंट पे आप उनको दें कि एवरीथिंग, उसमें भी आप लेके इधर उधर की बातें ना देखें, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अपना रोना, अपनी कंप्लेंट्स, आप डोंट डू दैट इन दैट, जस्ट मेक एवरीथिंग कि यू आर इम्पॉर्टेंट, everything is going to be fine, सब कुछ सही हो जाएगा, आप अपने ऊपर वो करें, you are important, इस तरह से उनको खुद एतमादी दें बच्चों को और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, गिव देम यू नो प्यार करें, हक करें, मतलब टच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी के लिए, गिव देम के यस यू आर इम्पॉर्टेंट. और फिर उसको बच्चे को भी ये होता है कि माई मदर इज द सेफ स्पेस, जब भी रात को मुझे होगा कहीं पर भी जाना होगा आई हैव माई मदर टू कम टू and ask them ke what are you feeling, what are your emotions, unke bhi emotions, I know you are going through a lot of emotions, magar bacche bhi bahut sare emotions se guzar rahe hote hain, to ask the kids ke what are you feeling, what are you feeling, and you know unke emotions ke bare mein. acha hamara ek bada almiya hai ki hum bachchon ko bhi na wahan tak soch leke jate hain jahan hum soch rahe hain. agar ab aapko dada dadi se problem hai aur bachcha bhi dar raha hai batate hue na ki ye cheez zyada de di hai dadi ne, aap kahe achhi hai lekin unko ehsaas nahi ki tumhare daanton mein keeda lag जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं अंडरलाइंग कर रहे होते हैं, है ना. और उसमें प्रॉब्लम ये जो बहुत सना ने कही कि वो जैसे हम ड्रॉ नहीं कर पाते या वो बच्चे को हम आगे क्या बना रहे होते हैं, जो आप बात करी थी कि ओल्डर एजेस में कितना प्रॉब्लम होगा, तो हमें नहीं आइडिया कि हमारी छोटी छोटी कई भी बातों का इतना कोई दूर रस नतज निकलेंगे. सना, कमिंग बैक टू यू, अब आप हैं ग्रैंड पेरेंट और आपके घर में बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो अथॉरिटी वाले फिगर्स होते हैं ना वहाँ से एक टोन सेट की जाती है पूरे घर के माहौल की. तो एज अ ग्रैंड पेरेंट या अगर आप देखें, अगर आप फिगर ऑफ अथॉरिटी हैं तो आप कंट्रोल करते हैं पूरे घर का माहौल, तो आप क्या मशवरा देंगी ग्रैंड पेरेंट्स को कि वो बच्चों की तरबियत में भी पार्टी हों, डेफिनेटली पार्टी हों, क्योंकि जो आपका तजुर्बा है, जो आपको मालूमात है या जो आप देख रहे हैं वो शायद अभी न्यू पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं. न्यू पेरेंट्स क्या, हमारी एज ग्रुप के भी जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, तो आप हैं मतलब यू शुड बी देयर, तो क्यों किस तरह से कम्युनिकेट करें कि घर का माहौल भी अच्छा रहे और बाउंड्रीज भी सेट रहें, इज्जतें एक दूसरे की सलामत रहें. अच्छा, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये समझनी ज़रूरी है कि हमने हमारा एक 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 माइंड में हमने बनाया हुआ है अथॉरिटी और रिस्पेक्ट, इन दो को हमने इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं. अथॉरिटी है तो रिस्पेक्ट होगी, रिस्पेक्ट हो तो अथॉरिटी होगी. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हर लेवल पर जाके इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके ये समझना है कि ये साइड बाई साइड ऐसे नहीं चलती हैं. अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट भी इतनी हो. अब अगर मैं फर्स्ट करें, मैं एक ग्रैंड पेरेंट हूँ या मेरे बेटे मेरे साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं,
तो मुझे पता है कि अथॉरिटी तो मेरी है, बिकॉज आई एम दी ओल्डेस्ट, आई एम दी एल्डेस्ट इन द होम, तो मेरी सब सुनते भी हैं. बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये समझने लगूं कि मैं जो भी करूंगी सिया सफेद तो रिस्पेक्ट भी वैसे मिलेगी, क्योंकि अथॉरिटी मेरे पास है. इज्जत अर्न की जाती है, इज्जत आपको अर्न करनी है. इज्जत आप गिव एंड टेक वाली चीज, इज्जत और मोहब्बत तो आप देंगे तो आप अर्न करेंगे. बिल्कुल, आप ये मत समझे कि अथॉरिटी आ गई है तो रिस्पेक्ट भी चलते चलते पीछे से आ रही है. अथॉरिटी मिलना जरा आसान होता है, आप किसी भी देख लें, सीनियरिटी मिल जाती है, सीनियरिटी मिल जाती है. आप अपने घर के माहौल से निकल के आप कॉर्पोरेट चले जाए, आपने मतलब वहां देख लें कि अथॉरिटी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स अ रिस्पेक्ट वो आपको अर्न करनी पड़ती है. तो बीइंग अ ग्रैंड पेरेंट, प्लीज ये बात रियलाइज करें कि रिस्पेक्ट आप अर्न करें. आप अपनी बिल्कुल आई नो के पीछे यू हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, टूल्स है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, व्हाट नॉट, बहुत सारी रेमेडीज, बहुत चीजें होंगी हर चीज के लिए जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे. और जरूरी नहीं कि हमेशा आप एक बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे हो कि नहीं ऐसा हो या बहुत ही ऑफेंसिव मोड पे हो. Sometimes as grandparents do willingly want to contribute because you know jaise hum kehte hain na it takes a village to raise a kid, to wo wali baat hoti hai. But then like you said before ke ye nahi samajh pate ki hame ek page pe rehna hai, bahu aapki opponent nahi hai. To as a grandparent aap please ye samjhein ki aapke ghar mein jo ek aurat aayi hai jis jo shaadi ho kar aayi hai, bacche paida kar rahi hai, raise kar rahi hai, to wo har cheez mein aapke opposition mein nahi aana cha rahi hai. कहीं कहीं आप उसकी तरफ जाके भी बात को देखें तो शायद आप समझ जाएंगे. कहीं आप अपने बहू को बिठा के या बच्चे बेटे को बिठा के, जो भी प्राइमरी केयर गिवर है आपके बच्चे का, कभी उसके वैल्यू सेट ऑफ वैल्यू समझें कि वो क्या इंस्टिल करना चाह रहे हैं अपने बच्चे में, कभी वो समझने की कोशिश करें. और ये ऐसी बात नहीं है कि बड़ी क्रिटिकल माहौल में की जाए. ओवर अ कप ऑफ टी आप शाम में बैठी हुई अपनी बहू के साथ आप बात कर लें कि भाई ऐसी चीज़ है, कोई आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह से बच्ची की परवाह करना चाह रही है, तबियत कैसे करना चाह रही है, तो चले आप भी अलाइन कर लें. और मशवरे के अंदाज में देना, मशवरे के हमारे खानदान में बिल्कुल आपका देखिए मकसद तो एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ वांट द बेटरमेंट ऑफ द किड, व्हाई नॉट डू इट, यू नो आप थोड़े मिलके क्यों ना कर लें. तो आप जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका है, चाहते आप एक ही चीज है, तरीके अलाइन कर लें आप. वो तरीके की जब अलाइनमेंट आएगी तो घर में जरा सुकून भी थोड़ा आएगा. बट ये कि हाँ अब ये चीज समझना बड़ा ट्रिकी है. मैंने कहा ना सबसे पहले उसकी जरूरी है कि आप अपनी ईगो को सरेंडर करें. बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अना है ये हमारे रिश्ते भी तोड़ती है और हमें भी खा जाती है. और ये जो ये कोई फजूल की बातें होती है, हमारा खानदान, हमारे तरीके, दुनिया चांद पे पहुंच गए, मरीख पे जाने की तैयारी है, तो बहुत रैपिडली हालात चेंज. अच्छा ये भी बड़े मजे की बात है, हमारा खानदान, हमारे तरीके, बिकॉज अगर इसको अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को ब्रेक डाउन करें, जैसे सुनते हैं ना कि जी हमारे यहाँ तो ऐसा होता है इसलिए अब हमारे यहाँ खाने में इस तरह ये चीज़ होती है तुम भी ऐसे ही पकाओगे. तो अब अगर आप ये हमारे यहाँ का टर्म लेके ब्रेक डाउन थोड़ा करें तो बैठे देखें अब वो जो हमारी सास हैं, या अगर मैं सास हूँ, तो मैं भी जब इस घर में आई थी तो मैंने वो फॉलो करा एक टाइम तक, फिर मैंने अपने तरीके से वो चीज़ चलाई. अब जो वो बहू कर रही है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, वो मेरी सास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही. तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को ब्रेक होना ही है ना. आपने भी किया कहीं ना कहीं, तो आप उस चीज़ को फ्री हैंड दें बिल्कुल, ताकि एक पॉजिटिव ब्रेक हो. और देखिए हर चेंज नेगेटिव नहीं होता. यूजुअली हमारे यू नो इन लॉ या बड़े होते हैं घर के, वो समझते हैं कि अगर कोई चेंज है तो अनकंफर्टेबल, डरते हैं अनकंफर्टेबल, अनसर्टेनिटी आ जाती है. तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें कि हर चेंज नेगेटिव नहीं है, हो सकता है कोई चेंज पॉजिटिव भी है. क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट ऑफ व्यू चलता रहे उसमें आप डिफरेंट चीज़ों का मिक्स लेंगे तो वो कभी कभी चीज़ अच्छी भी बच जाती है ना. अब आपकी एक पेंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, थोड़े कलर्स आप थ्रो करेंगे तो कलरफुल. डाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन हम कॉर्पोरेट में बड़ी बात करते हैं, घरों में हमें शायद इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और हम शायद इसीलिए बहुत छोटी उम्र की बहुएं लाते हैं, हम कहते हैं हमारे उसमें ढल जाएगी, हमें क्योंकि चेंज चाहिए ही नहीं. थैंक यू सो मच आप दोनों का. आप दोनों ने बड़ा डेयर करके बहुत सारी बातें की और उम्मीद है कि आप जब वापस घर जाएं तो आपको कोई भी कुछ ना कहे तो आप कह दीजिएगा कि माविश ने स्क्रिप्ट दिया था. मेरे जहन में इस वक्त एक वो याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था, हदीस थी, अब पता नहीं हदीस थी, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे आपकी रैयत का सवाल करेगा. रैयत क्या होती है कि वो तमाम लोग जो कि आपके अंडर थे, आपसे रियाया. हमें ऐसा लगता है ये जो हदीस है वो सिर्फ हुक्मरानों के लिए है. हर वो शख्स जो आपके अंडर है, आपकी अथॉरिटी के नीचे है, वो आपकी रैयत में आता है. अब सवाल क्या है, ये सवाल नहीं है कि उन अगर आप एक फैमिली के सरबरा हैं तो आपकी रियाया में आपकी बहुएं आती हैं, आपके पोता पोती आते हैं, ये नहीं कि वो बहुत बिगड़ जाएंगे तो आपसे सवाल होगा. आपसे हर वो शख्स जिसके शायद आंसू बहे आपके आपकी अथॉरिटी के नीचे, अल्लाह ताला आपसे उसका सवाल करेगा. हर वो शख्स जो कि दुखी था या उसके दिल से आ निकली किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो आपके नौकर हैं घर में काम करने वाले, चाहे आपकी बहुएं हैं, चाहे आपके पोता पोती हैं, चाहे आपकी कोई भी लोग हैं जो आपके अथॉरिटी के नीचे हैं,
अब आप सोचिए कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगता है आप सही हैं, आपको करना चाहिए, आप अपनी अना के हाथों मजबूर हैं, तो आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि जस्ट बिकॉज हमारे ख़ानदान में इस तरह होता तो अल्लाह ताला मैंने खूब सबकी शामत ला के रखी या मैं हर एक से नाराज़ रहता था या नाराज़ रहती थी। तो थोड़ा सा बड़ों को भी सोचना चाहिए, एज अ पेरेंट हमें भी ये सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे तो हमें बच्चे की बेटरमेंट पर काम करना है, हमें एक अच्छा बच्चा घर के अंदर चाहिए। तो इट्स बेटर कि हम सिर्फ वो तमाम काम करें जिससे एक अच्छा इंडिविजुअल बड़ा हो, क्योंकि औलाद दुनिया का सारे इम्तिहानों में से सबसे बड़ा इम्तिहान है। हम इन बातों को सोचते नहीं हैं, हम पर्सनल ग्रजेस को बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अगर फुप्पो से मुझे मसला है तो मैं बच्चों को बताऊंगी कि तुम्हारी फुप्पो कितनी बड़ी ख़तरनाक औरत है, अगर मुझे कोई ताए चाचा से इशू है तो मैं, हम जनरेशनल मसाइल को लेकर चलना चाहते हैं। प्लीज़ उस पूरी टॉक्सिसिटी के साइकिल को तोड़िए, आप सिर्फ ये सोचिए कि बहुत ही फ़ानी दुनिया है, थोड़े दिन हमें ज़िंदगी में बहुत थोड़े दिन के लिए मिली है, और ये बच्चा जो है वो इसके बारे में सवाल किया जाएगा, ना सिर्फ रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा आपके अंडर जो लोग हैं बल्कि आपसे बच्चे के बारे में सवाल किया जाएगा। तो थोड़ा सा हौसला करें, सब्र करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, दिलों में से कुदूरतें ख़त्म करें और बच्चों पे फोकस करें। मैं ले रही हूँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी साइमा के किचन में, और देखते हैं कि उनकी खट्टी दाल और जीरा चावल कहाँ तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम मौजूद हैं शेफ साइमा के किचन में, और बड़ी अच्छी मज़ेदार दाल की खुशबू आ रही है, तो हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे क्योंकि तड़का लगने वाला है। जी साइमा। जी महवेश, आप देख सकती हैं हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं, और ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगी तो ये बहुत ज़्यादा ना पतली है, बहुत ना गाढ़ी है। हाँ। तो मैंने एक थोड़ा सा मीडियम उस पर छोड़ दिया है ताकि अगर कोई राइस के साथ खाना चाह रहा है तो वो राइस के साथ खा ले, और अगर कोई नान के साथ खाना चाह रहा है तो वो नान के साथ इसको खा ले। और हम इसके जो है वो बघार की तरफ चलते हैं मावेश, और बघार अच्छा, अगर हम इसको हल्के आंच पे बहुत देर तक छोड़ते तो ये जो थोड़ी सी कोर्सनेस है ये भी बिल्कुल पेस्टी हो जाती है, हो जाएगी। आप क्या रेकमेंड करेंगी नाज़रीन को कि बिल्कुल पेस्टी बने तो ज़्यादा अच्छी होगी? ये वैसे पेस्टी बनती है मावेश, लेकिन मैंने इसमें ना वो जो बॉयल थी ना अलग से रखी हुई। मैं आपसे पूछ रही हूं, हमारे पास वक्त की भी कमी है। जी जी, ये पेस्ट ही की तरह बनती है, ठीक है। इसको ब्लेंडर या उसी टाइप चीज में आप किसी मशीन में ही इसको हल्के आंच पे छोड़ दो, घोटा लगाते रहे, बिल्कुल, या वो जो पोटैटो मैशर लकड़ी वाला होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, उससे भी आप ऐसे को भी दाल घोटनी वाला जो हाँ होता हाँ है हाँ उससे भी आप बिल्कुल इसको कर सकती हैं पेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये तब रिकमेंडेड है अगर किसी के पास ब्लेंडर या वही मशीन पीसने वाली ना हो तो आप कर लें, वरना आसान काम ये करें कि आप उसको इतनी देर क्यों पकाएंगे अगर टाइम की वैसे गैस के ज़खायर इतने कम रहे, आगे मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। एक बड़ा फनी मैंने लतीफ़ा पता नहीं फॉरवर्ड किया था आपको, नहीं किया था, उसने लिखा था कि अगर आपके घर में गैस की कमी है तो माशरती अलूम की किताब से गैस के ज़खायर वापस बढ़ाता है, जो फनी था, बिल्कुल बिल्कुल। तो माविश हम लोग फिर बघार की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने हाफ कप तकरीबन ऑयल गरम कर लिया, आप चाहें तो घी ले सकते हैं, और इसमें मैं अब पहले डालूंगी अपनी साबुत लाल मिर्च जो कि मैंने बताया था कि हम इसको तोड़ के शामिल करेंगे और सयाह होने तक पकाएंगे, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि इसका फ्लेवर सारा इसमें आ जाएगा, और फिर साथ ही मैं 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा भी डालूंगी। लहसुन ऑप्शनल है, मुझे पसंद है, मैं डाल रही हूँ। माविश आप देखें मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी है ताकि आप इसको आराम से ताकि आप इसको खा ही ना सकें। तो नहीं भाई, यहाँ पर वैसे मुझे लग रहा है कल वो आपका मंचूरियन बनाया था ना आपने, तो हाँ। मैं खा के वो मैं सीसी कर रही हूँ अब वो मुझे कल कौन गेस्ट सना, अच्छा सना भी खा रही थी, अच्छा मुझे तेज तो नहीं है, मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है मेरा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, वैसे ये पूछ भी नहीं रही थी सना से क्योंकि मुझे पता था वो थोड़ा सा तेज है, यार दुनिया के सब लोग तेज ही खाते हैं, तो मुझे ये था। लेकिन आवेश कितनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, ठीक है ना, और हमारी लाल मिर्चें भी जो है, लहसुन का बघार इतना मुझे भी बहुत पसंद है मावेश, लहसुन का बघार जो है ना वो अगर आप दालों में डाल लें तो क्या मजेदार, अरहर की दाल होती है ना सायमा, अरहर की दाल मैं बनाती हूं, बहुत अच्छा लगता है गोल मिर्च और लहसुन का। मावेश आप मुझे एक ये चम्मच फ्राई वाला दे दीजिए प्लीज, और एक हम ये वाला लेडल भी ले लेते हैं, नहीं आपको ये दो जी फ्राइंग के लिए दे दीजिए। देखें बस ये आई थिंक बघार हो गया समय, पहले हमें निकाल लेना चाहिए, मैं निकाल लेती हूँ बिल्कुल, मैं निकाल लूं, हाँ आप निकालें प्लीज,
क्योंकि बघार इसको भी बंद कर दें। बस बंद कर दीजिए चूल्हा। बंद कर दिया चूल्हा मैंने, बंद कर दिया। ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए भी रखी हैं, अगर कहीं टपक जाए तो कोई बात नहीं, हम नहीं वो हम वहाँ से टिश्यू से साफ करेंगे। लगा दीजिए जी, आप रखें यहाँ पे आराम से, आराम से। आपका थोड़ा सा और डाल दीजिए माविश प्लीज। मैं तो आपका बघार न जल जाए। नहीं नहीं वो मैंने कंट्रोल में ले लिया अपने, जैसे मैं बाकी चीज़ों को कंट्रोल में ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम देखें इसमें। अच्छा मैं ऐसे डालूं, देखें कैमरे में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही डालिए। अब मुश्किल है थोड़ा ऐसे डालना, अगर यहाँ पे कैमरे में आप लोगों ने आवाज़ कैप्चर कर ली है तो बस इस पूरी दाल की जो है ना वो ज़बरदस्त सी। इसको मैं ऐसे करके फिर और डालूंगी, आप पीछे हट जाइए। हाँ, मेरे कपड़े जो हैं वो, हाँ मेरे कपड़े तो हो ही चुके हैं। बट अच्छा मैं विशा आपको एक काम और प्लीज चावल होगा, चावल यहाँ कर दीजिए और टिश्यू। मैं इस पूरी असिस्टेंट बनने के ना आपसे अलग से पैसे चार्ज करने। बिल्कुल हाजिर, हम साई हाजिर। मैं विशा आप मुझे वो दीजिएगा प्लीज, टिश्यू पेपर भी। और अच्छा दालों के लिए मैं थोड़ी सी चंद बातें बताना चाहूँगी यहाँ पे। आज वैसे मैं दालों के काफ़ी फ़वाद पहले भी बता चुकी हूँ, आपको याद होगा। दालें जो हैं वो सबसे पहले तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ठीक है माविश, ये कुछ चाहिए चावल निकालने मुझे के राइस के लिए जी। मैं दो प्लेटर माविश, ये मैं प्लेटर लेकर जिसमें निकलेंगे जी। और मैं ये चावल का ले लूँ, और थोड़ी सी मुझे और भी चीज़ें डेकोरेशन के लिए चाहिए। मैं आपको ये सैलेड की प्लेट दूँ जी, ये भी यहाँ रखनी होगी। अचार हम सर्व करेंगे इसके साथ, वैसे ये पापड़ अचार लाए हैं आप, ये कचूमर वाला जी, ये कचूमर वाला है और ये मेरे अब्बा को बड़ा पसंद है। मैं वैसे अब अचार खाना मैंने छोड़ दिया है, सारी गंदी आदतें मैंने अपनी खत्म कर दी। का गंदी है यार यार, बस थोड़ा सा अब ना ऐसा लगता है अचार वगैरह से गला खराब हो जाता है, और कुछ चीजें अगर छोड़ दो ना फिर अगर आप उसको काफी दिनों के बाद खाते है ना माविश, तो वो मुझे लगता है उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, बॉडी को आदत खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो मैंने जो है वो अचार काफ़ी अरसे से छोड़ दिया। हालांकि एक ज़माने में अचार चटनी ये सब चीज़ें पसंद थी, मैं खुद भी बनाती हूँ कैरी वगैरह की चटनी। अच्छा, सीजन अचार बनाए कभी? अचार मैंने दो तीन बार गिराया है लोगों के ऊपर। नहीं नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि गिराया है। नहीं मैंने अचार भी बनाया है, लेकिन अचार बनाने में मैं बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। तो आपने कहा छोड़ो रहने दो, गिराने पर ही तवज्जो दे। हाँ वो बन तो जाता है उसकी, लेकिन वो ज़्यादा अरसा चल नहीं पाता समहाउ, फंगस लग जाता, मोल्डी हो जाता है। जी बिल्कुल, अब वो मेरा ख्याल है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर ना काफ़ी नमी है, समंदर के पास रहने के बड़े नुकसान जी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है। अच्छा देखें ये उसमें आ रहा है हमारे कैमरे में, बिल्कुल आ रहा है, देखिए दिखाएं भाई सब कुछ आ रहा है। ये हमारी दाल आ गई, और ये भी दिखाना ज़रूरी है साथ में थोड़े से गिरा के, ताकि हमें पता रहे कि हमने बनाया क्या है। शाबाश साहिबा, बहुत अच्छा लग रहा है सब दिखने में। और ये अच्छा वहाँ पे और कड़ी पत्ते तो नहीं है ना? ठीक है, मैंने इस पे थोड़ा सा धनिया भी डालना था, क्या हम डाल सकते हैं धनिया? पूछिए धनिया। क्या धनिया? हरा धनिया, धनिया हरा धनिया। कहाँ डालना चाह रही हैं हरा धनिया? मैं ऊपर थोड़ा सा ग्रीन डाल लें, आपकी मर्जी है, डालना चाह रही हैं तो डाल लीजिए। अच्छा ठीक है, चलें हम धनिया भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इस पे भी डालेंगे ताकि इनकी पिक्चर्स भी। हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन कितना खानों में फ्लेवर्स ऐड करता है। जी हरा धनिया तो मैंने घर में उगाया हुआ था, अभी जल गया। अच्छा फ्रेश हरा धनिया की बहुत अच्छी कड़ी पत्ता और हरा धनिया मैंने घर में, पुदीना। ये अगर आप बहुत सारे लोगों के तो किचन काउंटर पे भी ये मतलब उगा लेते हैं, लेकिन हमारी तरफ कुछ भी नहीं उग पाता, या शायद मैं बहुत पुअर हूँ उगाने में। मेरा तो माली, मैंने कड़ी पत्ता भी माली से ही करवाया था, और मैंने तो बना बनाया प्लांट जो थोड़ा सा ग्रोन प्लांट था वो ले लिया, तो उसमें कड़ी पत्ता बहुत बेस्ट अच्छा खासा, बिल्कुल, और कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी। हरा धनिया मैंने खुद ही लगा लिया था, यही तो धनिया के बीज नहीं होते, ये जो साबित धनिया होता है, तो बड़ी आसानी से। लेकिन उसमें यह था कि बहुत सारा उगाएं आप,
क्योंकि एक आध होगे का आप खुशी में फौरन तोड़ के खा लेंगे, खत्म गए। और खुशी में बहुत फौरन ही तोड़ के खा लेते हैं, चाहे टमाटर अभी उगता है, इतना सा टमाटर से लीमू लगाए थे मैंने, एक लीमू निकला और फौरन खा लिया उसको तोड़ के। बिल्कुल यही होता है, सब्र नहीं होता ना। अच्छा माविश, अभी हम थोड़ी सी मैं दाल के फायदे बताना चाह रही थी फॉर स्किन के लिए, दोबारा के स्किन के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं मसूर की दाल की खास हम बात करेंगे। अगर आप इनका फेस मास्क बनाएं और इनको आप अप्लाई करें तो एक तो ये टैन स्किन को जो है वो रिमूव करती है, टैन स्किन की टैनिंग को ठीक टैनिंग ठीक करती है और स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी। सुना है कि मसूर की दाल टाइटनिंग के साथ करें, इसको रोज वाटर के साथ इसका पेस्ट बना लें जी, रोज वाटर के साथ इसको मिक्स करें और आप थोड़ा सा लेमन जूस भी स्क्वीज कर दें तो वो विटामिन सी तो सीरम का काम करता है ना। बिल्कुल, आप जो दाल आपने पकाने के लिए उबाली हो तो उसको उसमें थोड़ा सा लीमू डालें, लीमू डालें और खाने से थोड़ी देर पहले थोड़ी सी निकाल के उसको इसी नियत से उबालें और सोचे भी कि मैं इसको खा लूंगी, अगर किसी को नहीं पसंद है अगर फेस में लगाने का काम नहीं आएगा तो खा लूंगी, बना लूंगी जी। लेकिन माविश, इस मसूर की दाल के ना फेस मास्क के काफ़ी सारे टोटके मौजूद हैं ऑलरेडी, अगर आप लोग गूगल करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद भी है। और स्किन टैन के अलावा जो उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक ये क्लिनजिंग का भी काम बहुत अच्छा करती है, आपकी स्किन को ब्राइटनेस देती है। अगर आप इसका फेस मास्क बना के लगाएं उसके लिए भी कुछ तरीके का है, आज मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ मैं इसके फायदे बता दूंगी कि ये फायदे हैं, लेकिन आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं ताकि वो एक खास अमाउंट उसमें यूज होता है कि इतनी हनी इतना शहद वो लेमन मिलाएं, लेकिन ज़रूर आप लोग देखें जाके, फेस मास्क की तरकीब भी दी हुई है, मसूर की दाल के तमाम फवायद जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लस ये बोन्स हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है, ये भी सुन लीजिए मसूर की दाल का जो खास फायदा है। अरे तो इसके अलावा जितनी भी दाल कैल्शियम भी होता होगा ना, कैल्शियम है, फाइबर जो इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वैसे तो तमाम दालों में ही बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फाइबर की भी वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल है, हमारी डाइजेशन के लिए भी हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे लोअर साइड की तरफ रखती है। वैसे तमाम दालें ही जो हैं उनका मेन बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम ही है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखेगी, ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देगी, डायबिटिक पेशेंट इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छी दाल है, अगर आप इसका सूप बना के पिएं तो ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है क्योंकि ये एक प्रॉपर मील है इटसेल्फ ही, तो इसमें तमाम विटामिंस, फाइबर, आयरन हर चीज़ शामिल है। गुड गुड। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में मैं बात कर ही चुकी हूँ, तो बहुत हेल्दी प्रोटीन है जो आप अपनी बॉडी को देंगे, जबरदस्त। तो खाने में दालों का इस्तेमाल करें और इस दाल की रेसिपी को भी ट्राई करें, हमें ज़रूर फीडबैक दें, एच नाउ का YouTube चैनल है वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करें और बाकी बात ताकि जो है वो आप अपडेटेड रहें हर वीडियो से जो हमारे चैनल के थ्रू आ रहा है। तो जनाब आली, आज का दिन फिर, आज का शो फिर तमाम हुआ, कल फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ, नई रेसिपी के साथ, और कल हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम कल बात करेंगे और किस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, तो आपने कल का प्रोग्राम ज़रूर देखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।